गजानुनं भूतगणादिसेवितं कपित्थजं भूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजं नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजं बौर्ये मंगलमूर्ति श्री गणेश जी महाराज की जय। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजिवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर।
रामाय मंगलम राघवाय मंगलम रामाय मंगलम राघवाय। सब गाइए पुरुषोत्तम मास है, ताली बजा के ताली बजा के। रामाय मंगलम राघवाय मंगलम रामाय मंगलम राघवाय मंगलम रामाय मंगलम रामाय मंगलम राघवाय मंगलम रामाय मंगलम राघवाय। सीता समेत रामचंद्राय मंगलम 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 कृष्णाय मंगलम यादवाय मंगलम कृष्णाय मंगलम यादवाय कृष्णाय मंगलम यादवाय मंगलम कृष्णाय कृष्णाय मंगलम यादवाय मंगलम कृष्णाय मंगलम राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम श्री राधा समेत कृष्णचंद्रा श्री राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम राधा समेत मंगलम 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 शंकराय मंगलम शिवाय मंगलम शंकराय मंगलम शंकराय मंगलम शिवाय शंकराय मंगलम शिवाय मंगलम शंकराय मंगलम शिवाय मंगलम गौरी समेत भालचंद्राय मंगलम गौरी समेत भालचंद्राय गौरी समेत भालचंद्राय मंगलम गौरी समेत भालचंद्राय समेत रामचंद्राय मंगलम सीता समेत रामचंद्राय मंगलम राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम गौरी समेत भालचंद्र मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ सहस्र युग
प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जल धीलांग गए गच रचना दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत आज्ञा बिना पैसा सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का आपन तेज समा से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपसी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई रमित जीवन मन चारो युग पर अस्वर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप एजिराम लखन सीता सहित राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सहित हृदय बसौ सुर
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु कंदर्प अगणित समित छवि नव नीर नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि श्रुति गौमी जन भजु दीन बंधु दिनेश रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम चित भर दो वदति तुलसीदास शंकर से मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा तुलसी भवानी पूजि पुनि तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मोदित मन मंदिर सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कम श्री राम चंद्र कृपा जो भज मन हरण भव भय प्रभु स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने सदगुरु को भाव और श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए सदगुरु को प्रणाम करें उससे पहले मेरी प्रार्थना कि सबसे पहले अपने अपने माता पिता को प्रणाम करें जिनकी कृपा से हम और आप सब इस संसार का सुख भोग रहे हैं। माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात जिन चरणों में बैठ करके हम और आप सबने नर्सरी से लेकर के जहां तक की भी शिक्षा ग्रहण करी है जिन्होंने हमें शिक्षित किया है जो याद हैं जो नहीं याद हैं व्यवसाय में नौकरी में अथवा तो जिस क्षेत्र में भी हम और आप सब अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इस जीवन को जीने के लिए जिन लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त किए जो याद हैं जो नहीं याद हैं उन सब के लिए मंगल कामना करते हुए फिर हमारे आपके जिन संतों महापुरुषों के चरणों में आपकी खूब निष्ठा हो ऐसे सभी महापुरुषों को अपने सद्गुरुदेव भगवान के साथ प्रणाम करते हुए बंद गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुगा अमिय मूरि मय जूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमिय दृग दोष विभंजन कहि कर विमल विवेक दिन
ताली बजा के मंगल प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल हवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी राजा बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए गोविंद दियो बताए राजा राम 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 सीता राम बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए सत्संग में जाकर के महापुरुषों के पास जाकर के हम सब जीवों को जो हम सब गृहस्थ जीवन जीते हैं क्या सीखना चाहिए। किसी भी सत्संग में जाएं यदि ये चार पांच बातें अगर आपको नहीं सिखाई जा रही हैं तो जाना बंद कर दीजिएगा। सत्संग में यही चार पांच बातें सिखाई जानी चाहिए। सब गाएं भाव से अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले 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 जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले जिंदगी सब लोग गाइए किसी के काम आना सीख ले जिंदगी में राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले 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 अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले अपने दुख पे रोने वाले राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राम
मुख में तेरे राम हो, नो कर्म तेरा हो भलाई मुख में। सीताराम 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 कहिए, सब लोग गाइए। फिर जाही विधि राके राम काही विधि रही, गाइए जाही विधि राके राम काही विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम, सब लोग गाइए। घनश्याम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में, घनश्याम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फिर जाही विधि राहे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राहे राम ताही विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, साधु संग राम रंग अंग रहिए। कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन में तू जीवन, क्योंकि अगला जीवन मानव का मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमको आपको पता नहीं है। ये जीवन तो मिला है लेकिन ये भी कब तक का है ये भी किसी को पता नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कर गरीबों का भला बद नसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला बद नसीबों पर रहम। बलिहारी जिन गोविंद दियो बता, हम सब ढूंढ रहे हैं भगवान कहां मिलेगा। संतों ने कहा, सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो पाना भगवान सीख ले, सेवा भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु सभी ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी ऋषियों तुम्हारी।
सभी संतों तुम्हारी जय जय हो, सभी संतों तुम्हारी जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से पुरुषोत्तम मास की इस पवित्र अवधि में हम सब लोग भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में बैठ करके उनका चिंतन करके जीवन परिवर्तन की कामना कर रहे हैं। आयोजकों ने एक घोष वाक्य लिखा आमंत्रण पत्रिका में कि हनुमत चिंतन से जीवन परिवर्तन कैसे हो सकता है, और आवश्यकता है क्या इस बात की, तो पता लगा कि आवश्यकता तो बहुत है। और उस आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम सब लोगों ने एक ऐसे देवता को अपने स्तर पर और अपने अंतर में स्थापित करके उससे प्रेरणा लेकर, उससे मार्गदर्शन लेकर के, उसके चरित्र से मार्गदर्शन लेकर, उनके द्वारा किए गए कार्यों का दर्शन करके हम अपने जीवन में जो विविध प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं, अवरोध आ रहे हैं, अशांतता आ रही है, अविचलता आ रही है, विचलन हो रहा है, अस्थिरता आ रही है, असंतोष आ रहा है, उस असंतोष को कम करके आनंद की सिद्धि करें, यह आवश्यक है। 21वीं शताब्दी में जब हम सब लोग व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो उसका लाभ भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बहुत बड़ी कीमत भी हम सब लोगों ने चुकाना पड़ रही है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में बैठ करके उनके चरित्र का चिंतन करके, उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करें, जीवन की स्थिति को परिवर्तन करें। और इसलिए हम सब यहाँ पर कल से, कल तृतीया थी और 4 तारीख थी, आज 5 तारीख है और चतुर्थी है, और गणेश की चतुर्थी है, गणपति की चतुर्थी है। गणेश विवेक का देवता है, उस विवेक को जागृत करें, उस विवेक को सामने रखें। हम सब लोग अब आज कल तो नहीं कहते, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तब तो माँ कहती थी जब तुम घर से बाहर जाओ तो बेटा एक दोहा बोल करके जाओ, सदा भवानी दाहिने और सन्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पहले कहा करते थे, मुझे बताओ हाथ खड़ा करके कितने लोग आज कहते हैं। एक इस पूरे हॉल में एक हाथ खड़ा हुआ है, ताली बजा दो इनके लिए महेश जी के। विवेक का देवता है गणेश, मंगल का देवता है गणेश। मंगल में से ग निकाल दो, गणेश निकाल दो, तो फिर क्या बच जाएगा, फिर क्या बचेगा, फिर मल बचेगा, ग निकल गया, विवेक अगर समाप्त हो गया
उस विवेक को जागृत करने के लिए हम सब लोग 5 दिन की इस पंचामृतम की यात्रा, पंचामृत प्राप्त हो जाए। किसका? जीवन का पंचामृत प्राप्त हो जाए। किसका पंचामृत मिले? कितना अमृत किसका मिले? कितना है 5 इंद्रियों के माध्यम से हम वो जीवन जी रहे हैं, बस उसमें अमृत की सृष्टि हो जाए। इसमें जो जहर घुल रहा है, जो विष घुल रहा है, उस विष को समाप्त करके इसमें सत्य का, रित का, इसमें श्रद्धा का, इसमें विश्वास का अमृत घुल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे इस आयोजन के निमित्त आज दूसरे दिन आप सभी विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं हमारे सामने जिनके व्यक्तित्व से हम हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं, ऐसे परमादरणीय माननीय जी स्वरूप चंद जी यहां पर उपस्थित हैं, हमारे महावीर जी उपस्थित हैं, जिनके कर्म क्षेत्र से जिनको हम अपनी जो पाठशाला है उस पाठशाला में वास्तव में हनुमान जी कहते हैं, ऐसे विमल जी उपस्थित हैं। वास्तव में विमल हनुमान जी जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम हो, इसके लिए यदि कोई व्यक्ति हमारे दिए आदर्श की व्यवस्था करता है तो केवल और केवल ऐसे महनीय और नमनीय मननीय व्यक्तियों के बीच में हम सब लोग आज उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रेम गुप्ता उपस्थित हैं, अनन्य लोग जिनको जिनको मैं देख पा रहा हूँ, डालचंद जी जो कि विवाह का संपादन कराते हैं पूरे मुंबई में, वो डालचंद नहीं है, वो तो पेड़ चंद हैं, वो तो वृक्ष चंद हैं, वृक्ष हैं। ऐसे सभी लोगों को प्रणाम, गणपति को प्रणाम, सूर्य को प्रणाम। कल भी हमने कहा था कि हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य ने पंचदेवों की व्यवस्था की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो युवान हैं वो सुने, और जो यहाँ पर वृद्ध जन हैं वो अपने बच्चों को जाकर के घर में बताएं कि बच्चों को सवेरे जल्दी उठाएं और सूर्य का दर्शन कराएं, तेज प्राप्त होगा। हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है, सूर्य हमारा प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष भगवान है। इस सूर्य का दर्शन करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इस सूर्य का दर्शन करके हम तेज प्राप्त करते हैं, और इस तेज का जो पुंज है, इस तेज का जो देवता है, वो केवल और केवल श्री हनुमान जी। इसलिए भगवान सूर्य को नमस्कार, भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार, गौरी शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के देवता हैं उनको नमस्कार, भगवान विष्णु जो पालन करते हैं, जो पोषण करते हैं, भगवान विष्णु जो समस्त संसार का यहाँ पर पालन और पोषण करते हैं उनको प्रणाम, और आप सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनको प्रणाम। एक अच्छी खबर से आज का यह चिंतन सत्र हम प्रारंभ करते हैं। एक बहुत अच्छी खबर है, हनुमत तत्व कैसा होना चाहिए, हनुमान के तत्व का यदि आधार बांध ले तो किस तरीके से होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण आज टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर किसी ने पढ़ा होगा, और वो विलक्षण है, विलक्षण, किस तरीके से चैतन्य जागृत हो जाए, किस तरीके से वो हनुमंत शक्ति जागृत हो जाए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वतारा। कैसे? पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना, और कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात। आज मैंने पढ़ा कि यार ये कैसे हो सकता, हाउ इट इज पॉसिबल। आज आपने IAS का रिजल्ट देखा होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिजल्ट देखा, उसमें एक 29 वर्ष की महिला ने टॉप किया है, पास नहीं हुई, क्या किया है, टॉप किया है। नाम है ईरा सिंघल, दिल्ली की है, लेकिन टॉप किया ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचे ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो महिला 62% डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड, अपंग है, चलने में मुश्किल होती है,
और उस महिला ने इरा सिंघल ने अपनी जिजी विषा से कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाए, उसने कहा मैंने पढ़ा और मैंने अपने चरित्र में उतार दिया। आप उसका इंटरव्यू पढ़ो, और उस इंटरव्यू में उसने लिखा है कि मैं भगवान पर विश्वास करती थी, हनुमान जी को रोज प्रणाम करती थी। कैसे युवाओं के लिए एक प्रकार का ये क्या है, प्रतिदर्श है, नमूना है। दिस इज एन आइडियल, दिस इज एन आइडियल। 62% डिसेबिलिटी इरा सिंघल की, आज आप पढ़िएगा उसका पूरा इंटरव्यू आया थोड़ा सा टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसमें उसने कहा कि मुझे तो केवल और केवल माता पिता का आशीर्वाद। क्या बात कही है, हम सब लोग अपने माता पिता को, अजय जी अपने जब भी सुंदरकांड पाठ करते हैं तो उसमें प्रारंभ में मंगलाचरण में कहते हैं कि क्या करना चाहिए, अपने माता पिता को प्रणाम करो, अगर हैं तो उनको निश्चित रूप से उनके चरणों में प्रणाम करो, और अगर नहीं है तो उनकी परम चेतना को प्रणाम करो। कैसी स्थिति है, विद ए 62% डिसेबिलिटी इरा सिंघल टॉप्स द लिस्ट। कर सकता है कोई? एक दूसरा उदाहरण आया, दूसरा उदाहरण है साहिल कुमार का, आईएएस की परीक्षा उसने भी दी थी। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स, इफ सम यंग पीपल आर सिटिंग ओवर हियर दे शुड लिसन। साहिल कुमार था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, आईएएस की तैयारी करते समय उसका एक एक्सीडेंट हो गया, दाहिना हाथ बेकार हो गया, राइट हैंड फ्रॉम विच ही इज राइटिंग ही बिकेम डिसेबल्ड। क्या किया उसने, 6 महीने बाकी बचे थे, 2 महीने तक बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की, 2 महीने तक उसने बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की, और 2 महीने के बाएं हाथ से लिखने के बाद उसने आईएएस का एग्जाम दिया, और आईएएस के एग्जाम देने के बाद वो आईएएस में 54वें स्तर के ऊपर आई, गॉट द मेरिट 54। These are the examples which gives us some initiation. मैं बहुत भक्ति की बात, भक्ति अपने से होती ही नहीं, अपन कर भी नहीं सकते, कहां से कैसे करें, कहां से करें। भाव माने होता है प्रकाश, किसका प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान है ही नहीं, लेकिन उसमें आसक्ति हो वो भक्ति। इसलिए भारत बना, भारत क्या, जो प्रकाश को निरंतर प्राप्त करने में रत रहे वो कौन सा देश है, वही भारत है। भारत की महिमा ही कुछ और है। भ का मतलब होता है प्रकाश, केवल और केवल संसार में, विश्व में यही एक देश है जहां पर सत्य सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकाश की पूजा होती है, प्रकाश का वर्जन। कोई दूसरा देश, कोई तीसरा देश भगवान सूर्य नारायण की पूजा नहीं करता, केवल और केवल भारत जो है वो प्रकाश की पूजा करके अपनी सत्य सनातन संस्कृति को स्थापित करने में सफल हो रहा है। सिकंदर महान का देश ग्रीस दिवालिया हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में चाहे जितनी भी आलोचना कर दी जाए, हम अभी भी आत्मनिर्भर हैं। ये क्या कम है, बताओ कम है? कैसी भी परिस्थितियां आई, कैसे भी अवरोध आए, कैसे भी हम बहुत खराब हो गए, कैसे भी हमारे में स्खलन आ गया, कैसे भी हम क्षरित हो गए, कैसे भी हम कम हो गए, लेकिन इस कमी होने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी, रघुराम राजन ने जाकर के वहां पर इंग्लैंड में जाकर के कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था, द इकॉनमी ऑफ द इंडिया, इकॉनमी ऑफ इंडिया इज स्टिल हैव पोटेंशियल टू ग्रो। ये केवल और केवल हनुमान, तो वो भारत है जो प्रकाश की पूजा कर। कहां से मिली ये चेतना, तो कहा केवल और केवल देवताओं से प्राप्त, सत्य सनातन संस्कृति की। एक उल्लेख आता है श्री हनुमान जी से, श्री हनुमान जी का कृष्णकंधा में वसन हो रहा है, उनके साथ बंदर भालू बैठे, बंदर भालुओं ने, ये वाल्मीकि रामायण का उल्लेख, बंदर भालुओं ने पूछा श्री हनुमान जी आप ज्ञान के प्रदाता हो, बताओ सफलता कैसे मिलती,
जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है, हनुमान जी से पूछा गया। और एक बड़ा सर्ग 66 सर्ग में तो वहां पर सुंदरकांड की व्याख्या की गई। बंदर भालुओं ने पूछा कि बताओ हनुमान जी, आप तो गुण के निधान, ज्ञान के निधान, विज्ञान विज्ञान को लेकर के चलते हैं, सफलता कैसे मिलती है? श्लोक में बताया, न मंत्रादिकृतस्तात्, न मंत्रादिकृतस्तात्, न च नैसर्गिको मम, न च मंत्रादिकृतस्तात्, न च नैसर्गिको मम, प्रभाव एव सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि। क्या बढ़िया उन्होंने उत्तर दिया। कहता है हनुमान जी ने कहा, पहली बात, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज नो शॉर्टकट। सफलता के लिए कोई मंत्र भी नहीं है, उस मंत्र को जप करके तुम सफलता प्राप्त कर लो, न मंत्रादिकृतस्तात्, कोई मंत्र नहीं। कोई ये कहे कि मैं इस मंत्र का जाप करके सफल हो जाऊंगा, असंभव। न मंत्रादिकृतस्तात्, न च नैसर्गिको मम, प्रभाव एव सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि। जीवन में केवल परिवर्तन कठोर परिश्रम और अनुशासन से प्राप्त होता है। किसका संदेश है ये? केवल और केवल श्री हनुमान जी का संदेश है। जो यहां बैठे हैं वो अपने बच्चों को जाकर के घर में बताएंगे, हनुमान जी का दर्शन करने जरूर जाएं, हनुमान जी से अपने सफलता की मनोरथ जरूर कर लें, हनुमान जी के चरणों में बैठ करके केवल एक प्रार्थना करें को व्योह उनको केवल क्या दे, अनुशासन से रहने के लिए और इसके साथ कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा प्रदान करे, बस इतना। कोई लड्डू चढ़ाने की जरूरत नहीं, लड्डू चढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं चढ़ेंगे तो भी ठीक है, केवल जाकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। आइए भगवान श्री हनुमान जी को का हम आवाहन करते हैं, आओ हनुमान जी हमें भी बताओ, न मंत्रादिकृतस्तात्, न च नैसर्गिको मम, प्रभाव एव सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि। भारत की संस्कृति को ध्यान में रख करके यदि हम हनुमान जी के उस स्तर को पहुंचते तो हनुमान जी का आवाहन करें। अजय जी, अभी केवल हनुमान जी की, अगर हनुमान जी की कृपा और उनके प्रसाद का जीता और जागता उदाहरण अगर देखना है तो अजय जी को देख लो, 60 चौपाई का सुंदरकांड लेकर के पूरे देश में नहीं बल्कि संपूर्ण विदेश में घूम करके श्री हनुमान जी के चरित्र का गान कर रहे हैं और आज सबसे सफलतम भगवान की कृपा से हनुमत चरित्र के उद्गाता के रूप में प्रतिष्ठित माता पिता का आशीर्वाद, हमारे दादाजी का आशीर्वाद। मां कैसी होती है, माता पिता का आशीर्वाद। तो मंत्र के द्वारा नहीं, किसी भी प्रकार के जप के द्वारा नहीं, कोई अनुष्ठान भी नहीं चलेगा, केवल और केवल एक काम चलेगा, अनुशासन और कठोर परिश्रम। वी मस्ट हैव, हमारी लाइफ कैसी बननी चाहिए। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, एक महीना पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका भी उदाहरण हुआ और वो है विवेक कामत का, 37 वर्ष का नौजवान। उस 37 वर्ष का नौजवान अमेरिका में इस समय है, उसने, उसके माता पिता ने, उसके पिता ने उसको पढ़ाने के लिए अपने खेत की जमीन बेच दी, कर्नाटक का था, अपने खेत की जमीन बेची और खेत की जमीन बेच करके उसको भेज दिया कहां पर, अमेरिका में पढ़ने के लिए। अमेरिका में वो जब पढ़ा तो उसके पास केवल दो चीजें थी, एक थी श्रीमद् भगवद गीता और दूसरी थी श्री हनुमान चालीसा। कहता है, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज माई टू बुक्स, वन श्रीमद् भगवत गीता, सेकंड श्री हनुमान जी। और एक महीना पहले
उसको सर्जन इन जनरल यानी उस देश के यानी अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री के सर्जन इन कमांड की शपथ दिलाई गई। वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसको शपथ दिलाई, तो उन्होंने कहा कि शपथ कैसे लोगे, तो उन्होंने कहा कि हम शपथ कि तो हमारी बाइबिल है हम शपथ लेते हैं। मैंने कहा आई वुड नॉट लाइक टू टेक द ओथ ऑन बाइबल। तो फिर तो ये अमेरिका की महानता है, उन्होंने कहा कि यस वी विल अलाउ यू टू टेक ओथ। उसने कहा कैसे लोगे, कहता है मैं गीता के ऊपर हाथ रख कर बताओ ना अपने बच्चों को कि हमारे देश की संस्कृति और संस्कार कैसे, हम हाय और बाय में क्यों चले जा रहे हैं, हमारे देश का जो आसन्न टिकट है उसको क्यों नहीं प्राप्त करते, उसमें जो तत्व है वो क्यों नहीं प्राप्त करते। विवेक कामत ने अपने इंटरव्यू में कहा एवरी डे आई वॉज रिसाइटिंग एंड गेटिंग द इंस्पिरेशन टू गेट दिस कविटेड पोस्ट। मैं प्रतिदिन इसी गीता के आधार पर इसी हनुमान चालीसा के आधार पर उससे प्रेरणा लेकर के केवल और केवल कर्म करता था। हनुमान जी की बात सफल हुई न मंत्राधिकृतस्तात् न च नैसर्गिको मम प्रभाव एष सामान्य यस्य यस्याच्युतो। हमारे देश में हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति का उद्दीपन होना चाहिए, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं एक बार किसी कॉरपोरेट ऑफिस में बैठा था और वहां पर एक बहुत बड़े अधिकारी हमारे सामने आए। उनसे पूछा गया कि साहब आप पूजा पाठ करते, कहते हाँ पूजा पाठ तो करता हूं। हनुमान जी को सुना है, कहते हाँ सुना है। मैंने कहा कि श्री हनुमान चालीसा के बारे में सुना है, कहते हाँ सुना है। कहते मैं श्री हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, कहते नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते, कहते कि वो संस्कृत में लिखी है। अब हनुमान चालीसा संस्कृत में लिखी, सी द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी आर हैविंग। हमें इतना ही नहीं मालूम कि हनुमान चालीसा लिखी किसने, शुद्ध ग्रामीण भाषा में लिखी गई श्री हनुमान चालीसा को लोग संस्कृत बता रहे हैं क्योंकि हिंदी भी नहीं पढ़ रहे। इसलिए कृपा करो हमारे ऊपर और इस देश पर इस समाज के ऊपर इस संस्कृति के ऊपर इस संस्कार के ऊपर लोगों को कम से कम इतना तो बताओ कि श्री हनुमान चालीसा जो केवल और केवल 40 चौपाइयों की है जिसमें केवल और केवल श्री हनुमान जी के बारे में चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है, जो हमें हम पढ़ने के बाद हमें शांतता देती है, जो हमें पढ़ने के बाद हमें नवीन प्रकार की चेतना प्रदान करती है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हमारे चरित्र को स्वच्छ बनाने के लिए हमारा एक एक प्रकार का छत्र निर्धारित करती है, वह केवल और केवल गाँव की भाषा में है, संस्कृत में नहीं। और इसलिए आइए भगवान श्री हनुमान जी का आवाहन करें जय 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 राम राम जय 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 हनुमान। खूब जोर से गाइए राम राम सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम जय जय केसर तिलक लगाए मेरे राम जी केसर तिलक लगाए मेरे राम जी लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम शार्प बहुत है शार्प पीला पीतांबर पहरे
जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान फल हर मेवा खाए मेरे राम जी फल हर मेवा खाए मेरे राम जी लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम मुक्ति के दाता है मेरे राम जी मुक्ति के दाता है भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम भक्ति के दाता हनुमान जी जय 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 हनुमान जी राम राम जय जय सारे जगत के मालिक मेरे राम जी सारे जगत के मालिक मेरे हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी बिचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो इसके लिए हनुमान जी केवल तीन वस्तु मांगो जीवन जीने के लिए तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है फिर आपको न पैसे की जरूरत पड़ेगी न मकान मांगने की जरूरत पड़ेगी भगवान से कहो हनुमान जी से मुझे सेल्फ मेड बनाओ सेल्फ सफिशियंट बनाओ ताकि मैं कभी किसी के आगे हाथ न फैलाऊं इसलिए तीन वस्तु मुझे चाहिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हर हो कलेश देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो हमारे जीवन का संकट क्या है युवान का आज संकट सबसे बड़ा यही है कि ना तो बल है ना तो बुद्धि है ना विद्या है केवल लैपटॉप और कंप्यूटर है बाकी कुछ नहीं है काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो यह हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम जीवन दाता तुम्हें प्रणाम जीवन दाता तुम्हें प्रणाम हे सुख दाता तुम्हें प्रणाम हे सुख दाता तुम्हें प्रणाम हे दुख हरता तुम्हें प्रणाम हे दुख हरता तुम्हें प्रणाम मेरे जी वन दाता तुम्हें प्रणाम मेरे जीवन दाता तुम्हें प्रणाम तू सारे सुख देने वाला तू सारे सुख देने वाला सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो तो डरना तू सारे सुख देने वाला सारे दुख हर लेने
पीरा संकट कटे मिटे सब पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे तू सारे दुख हरने वाला तू सारे दुख हरने वाला मेरा जगत प्रकाशित करने वाला मेरा जगत प्रकाशित चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पुजियारा जगत प्रकाशित करने वाला जगत प्रकाशित करने वाला मेरे भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम मेरे भाग्य बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार मेरे भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम मेरे भाग्य विधाता जीवन दाता तुम्हें प्रणाम मेरे जीवन दाता हमें पाप से दूर रखो हमें पाप से दूर सकल ताप से दूर रखो सकल ताप से दूर लेकिन अपने आप से दूर न रखो पर न आप से दूर पर न आप से दूर रखो पर न आप से हम सब हैं तेरी संतान प्रभु हम सब हैं तेरी संतान मेरे भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम मेरे भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम मेरे जीवन दाता तुम्हें प्रणाम मेरे जीवन दाता बोलिए श्री हनुमान अब हनुमान जी की जय बोलनी हो और ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकारा जोर से लगना चाहिए कल हम सब लोगों ने हनुमंत ध्वजा अपने अपने हाथ में लेकर के लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा की थी ये ध्यान रखना चाहिए कि हनुमंत की ध्वजा हमने स्वीकार की और ये हनुमान जी कौन है कहता है केवल एक ही ऐसे देवता हैं जो आत्मविश्वास प्रदान करते और क्या करते हैं संकट का हरण करते हैं लेकिन संस्कृति का स्थापन भी करते इसलिए इस कथा के पंचामृतम में पहला अमृत यह है इसकी पंचामृतम का पहली बात यह है कि अपनी संस्कृति और अपने संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध हो जाओ राष्ट्रपति भवन में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ पिछले दिनों नहीं एक वर्ष पहले माननीय श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल उस समय राष्ट्रपति थी पूर्व न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र लाहोटी जी का उसमें एक भाषण था चूंकि राष्ट्रपति पुनश्च एक किताब लिखी है जो कि लक्ष्मीमल सिंघवी की लिखी गई है भारत की संस्कृति के ऊपर उसका लोकार्पण का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया तो वहां पर एक प्रश्न हुआ प्रश्न यह था कि हमारे वैल्यूज जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं हमारे मूल्य जो हैं उनका स्खलन हो रहा है अवमूल्यन हो रहा है हमारे जीवन की पद्धति में और इसलिए लक्ष्मीवल सिंघवी ने अपने प्रवर्तन भाषण में यानी की नोट एड्रेस में एक बात रखी कि इस देश की व्यवस्था के लिए जो पुनश्च पुस्तिका का प्रकाशन हो रहा है वास्तव में वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है और इस समय मूल्यों का संकट बढ़ रहा है ये केवल 2012 की बात है रमेश चंद्र लाहोटी का उसके बाद वक्तव्य था और उन्होंने प्रतिभा ताई पाटिल भारत की राष्ट्रपति थी उस समय उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही वो बात केवल राष्ट्रपति को कही गई बात नहीं थी
वो हमारे देश में प्रत्येक परिवार के साथ कही गई बात थी और इसलिए उसको नोट करना आवश्यक है। मैं इसलिए नोट करा रहा हूं क्योंकि वो आवश्यक बन गया है, क्योंकि वो हमारी थाती बन रही है। उन्होंने कहा कि केवल चार वस्तुएं आप इसके स्थापन करने के लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए, भारत का स्वरूप बदल जाएगा, भारत का रूप बदल जाएगा, भारत की चेतना जागृत हो जाएगी, भारत के अंदर एक रूपांतरण पैदा हो जाएगा। रमेश चंद्र लाहौटी ने कहा केवल चार वस्तुओं को स्थापित करने का सरकारी दृष्टि से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और प्रतिभादाई पाटिल से उन्होंने विशेष रूप से इंगित करते हुए, उल्लेख करते हुए कहा आप तो महामहिम राष्ट्रपति हैं प्रतिभा जी, और आप में तो प्रतिभा भी है, यही शब्द हैं उनके, ये बिल्कुल वर्बेटिज्म कह रहा हूं, आप तो महामहिम राष्ट्रपति हैं प्रतिभा जी, आप में तो प्रतिभा भी है, आप कुछ इस प्रकार का कार्य करिए कि इस देश में संस्कृत पढ़ाया जाना शुरू हो जाए। पहली बात कहा, पहली बात, मैं पहली बार कह रहा हूं, इस देश में पुनश्च हो जाएगा, लोक जागरण हो जाएगा, इस देश का चरित्र बदल जाएगा, इस देश का आचरण बदल जाएगा, इस देश का चरण जो है विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। एक काम कर दीजिए, इस देश में संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दीजिए। दूसरा काम करिए, इस देश में संस्कार की स्थापना के निश्चित प्रयत्न करिए। तीसरा काम करिए, इस देश की संस्कृति के स्थापन करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं। और चौथा काम करिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे दीजिए। चार चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज गणेश चतुर्थी है और इस गणेश चतुर्थी के दिन आज हम सब लोग जितने बैठे हैं कम से कम इतना संकल्प लेकर के जरूर जाएं कि संस्कृत को किसी भी तरीके से आप अपने अपने स्तर के ऊपर जैसे हो सके वैसे थोड़ा भी बहुत एक श्लोक दो श्लोक खुद याद करें और याद कराएं। संस्कृत पढ़ना इस देश की पूरी विरासत को, हेरिडिटी को अगर बचाना है तो संस्कृत बचानी पड़ेगी, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। संस्कृत पढ़ाओ, ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा? पूर्व न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र लाहौटी ने राष्ट्रपति भवन में, जिसका कि संपूर्ण देश में प्रसारण हो रहा था उस समय, उन्होंने प्रतिभाताई पाटिल को इंगित करते हुए कहा महामहिम राष्ट्रपति जी आप इसके लिए सन्नद्ध हो जाएं, इस देश के पूरा रूपांतरण हो जाएगा, इस देश में संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, अंग्रेजी जरूर चले, अंग्रेजी से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, अंग्रेजी का किसी भी प्रकार का अवरोध भी नहीं है, अंग्रेजी जो है बहुत अच्छी और सक्षम भाषा है, अंग्रेजी जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्थापित की जाने वाली भाषा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अपने अंतर को और अपने स्वरूप को कायम करना है, अपने स्वभाव को स्थापित करना है, तो इस स्वभाव को और इस स्वरूप को स्थापित करने के लिए आपने भारत में संस्कृत को पढ़ाना, अपनी संस्कार को और अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए विशेष प्रयत्न करना और इसके साथ ही साथ स्वाध्याय की स्थिति को उत्पन्न करना आवश्यक है। ये काम करना चाहिए। प्रतिभाताई पाटिल ने अपने जो उत्तरी प्रत्युत्तर भाषण था उसमें उन्होंने कहा मैं तो निश्चित रूप से, मोदी जी नहीं थे, मैं तो निश्चित रूप से प्रयत्न करूंगी ताकि इस प्रकार की स्थिति कायम हो जाए, लेकिन वास्तव में ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन चलो सरकार जो चाहे वो करे, करना चाहिए, कर रही है, जितना चाहे उतना करे, लेकिन हम तो अपने स्तर के ऊपर अपने स्वरूप को स्थापित करने के लिए अपने देश में अपने घर में संस्कृत का, संस्कृति का, संस्कार का और स्वाध्याय का यह तो कार्यक्रम अपने घर में तो प्रारंभ कर सकते हैं। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड, ये आवश्यक है, यह हनुमंत कथा का अमृत प्राप्त होगा अगर ऐसी स्थिति हम कर लेते हैं, केवल कथा सुन करके चले जाना और फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रतिभाव न देना वो ठीक है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैवम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये
क्या बात कही व्यास जी ने, नारायणम नमस्कृत्यम, नारायण को नमस्कार किया, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैवम नरोत्तमम, नर रूप में नर से नरोत्तम बनने की यात्रा कहां है, वह कहां है, वो केवल और केवल संस्कृत में। नर से पुरुषोत्तम, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की यात्रा का अगर कहीं किसी भी प्रकार से कोई साधन मिल सकता है तो केवल और केवल संस्कृत भाषा में मिलेगा। पुरुष से पुरुषोत्तम बने, नर से नरोत्तम बने, नारायणम नमस्कृत्यम पहला श्लोक है महाभारत का, व्यास देव को प्रणाम किया है, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैवम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। तो सरकार करे या ना करे, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, जो व्यवस्था बनेगी वो सरकार करेगी, लेकिन सरकार न करे या करे, लेकिन हम तो अपने घर में जाकर के कुछ न कुछ इस मामले में कर सकते हैं कि देश में संस्कृत के श्लोक एक या दो तीन जो भी बन सके वो जा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं और उनको समझाएं, उनको याद दिलाएं। हमारे संस्कृत में कोई भी श्लोक किसी भी प्रकार के गैर जिम्मेदाराना अर्थ नहीं प्रदान करता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का अर्थ प्रदान करता है। अगर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग भवेत, बताओ किस भारत के अलावा किस अंतर्राष्ट्रीय या अंग्रेजी के लिटरेचर में इस प्रकार की भावना का व्यक्तिकरण किया गया है, मैं पूछना चाहता हूँ। अंग्रेजी के पीछे हम सब लोग भागे जा रहे हैं, अंग्रेजी के पीछे हम सब लोग अपने अस्तित्व को गुमाते जा रहे हैं। बताओ ना, अंग्रेजी लिटरेचर में कहाँ कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सब लोग निरोगी हो जाएं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम केवल और केवल भद्र देखें, केवल और केवल शुभ देखें, केवल और केवल कल्याणकारी देखें, केवल और केवल हमारे के द्वारा देखने की दृष्टि बदल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख, किसी के पास भी दुख आए ही नहीं, ऐसी कामना, मा कश्चित् दुख भाग भवे, कहां कहा गया है। हम लोग अपने जब भोजन कहते हैं तब हम सब लोगों को बना करके जब सामूहिक दृष्टि से बैठते हैं और उस समय कहते हैं सहना अवतु, कहते हैं या नहीं कहते, सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहै तेजस्विनाम अधीतमस्तु मा विद्विषामहि ओम शांति शांति। कहाँ, किस लिटरेचर में, कौन सा साहित्य, कोई भी यूनानी साहित्य, कोई भी ग्रीक साहित्य, कोई भी अंग्रेजी साहित्य, कोई भी फ्रेंच साहित्य, कोई भी जर्मन साहित्य, साहित्य के जहां विपुल भंडार हैं वो कोई भी साहित्य आकर के हमारे जीवन की इस व्यवस्था को बदलने का जो सूत्र प्रदान करता है वह केवल और केवल संस्कृत प्रदान, हिंदी भी नहीं करती, हिंदी में केवल हम ट्रांसलेशन करते, हिंदी भी नहीं करते, केवल संस्कृत करते। सहना अवतु उपनिषद का मंत्र है, सहना अवतु, आओ हम सब लोग साथ मिलकर के बैठे, सहना अवतु सहनो बनक्तु, इस प्रकृति ने, इस सृष्टि ने जो कुछ भी हमें प्रदान किया है उसको हम क्या करें, सहनो बनक्तु, मिल करके उसको हम स्वीकार करें और उसका उपभोग करें, उसका भोग करें, सहनो बनक्तु उपभोग करें, और फिर अलग अलग नहीं हो जाएं, सहवीर्यम करवा वहाई, मिल करके साथ मिल करके फिर प्रयत्न करें, मिल करके काम करें, सहवीर्यम करवा वही, और क्या हो जाए, उद्देश्य क्या हो, तेजस्विनाम अधीतमस्तु, जिस प्रकार से सूर्य तेजस्वी होता है वैसे ही हमारा भी, हम तेजस्वी बने, हम मनस्वी बने, हम यशस्वी बने, तेजस्विनाम अधीतमस्तु मा विद्विषामहि, हम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव पैदा ना हो। कैन यू इमेजिन, अब बताओ अंग्रेजी के किस स्टैंजा में, went up to the hill to fetch a pail of water, यही पढ़ाते हैं ना, और सवेरे सवेरे पढ़ाने लगते हैं। अगर वो उस वाटर की पेल को लेकर के भी आएगा तो he fell down and broke his crown and क्या tumbling water, these are all the things,
व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है? ये अच्छा है कि हम सब लोगों को बताएं कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवा वहि तेजस्विनामधीतमस्तु, ये ठीक है? या ये ठीक है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर? अच्छी बात है, कहें अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड, बट एट व्हाट टाइम, कौन से समय में? इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हनुमंत है, ये हनुमंत है, अनुशासन और पराश्रम की बात है। और इसलिए मैंने कहा, इसलिए हम कहते हैं कि श्री हनुमान जी के चरित्र में केवल और केवल हमें क्या मिलता है, हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं। उनके चरित्र में, उनके चिंतन में केवल हमारे संस्कार के दर्शन होते हैं। कैसा है? दूसरे के लिए जो काम आ जाए। यह जो श्लोक कहा, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवा वही तेजस्विनाम अधीतमस्तु मा विद्विषा वहै, ये किसके लिए है? केवल केवल हनुमान जी। कौन कौन सा ऐसा चरित्र है जिसने काम किया कि था हमारे आदर्श के रूप में केवल और केवल हनुमान जी ही तो प्रकट होते हैं। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग जो राम नरेश लाहौटी ने राष्ट्रपति भवन में 2012 में राष्ट्रपति के सामने उद्गार प्रकट किए, उसको उस हॉल में, उस अशोका हॉल से निकाल करके उसको यहाँ लाएं, इस हॉल में नहीं अपने अंदर के हॉल में यानी अपने हृदय के मंदिर में स्थापित करके जाएं। कैसे हैं हनुमान जी? कहता मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। कल मैंने चार बातें बताई थी, कल 4 तारीख थी इसलिए मैंने 4 के साथ जोड़ करके बहुत सारी बातें बताई थी। और मानव प्रबंधन की दृष्टि से मैंने बताया था और हमने पढ़ा था, हमने चिंतन किया था कि अगर मानव को सर्वोत्कृष्ट दृष्टि से अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो उस व्यक्तित्व के विकास में आधुनिक दृष्टि से जिस आधार के ऊपर हम लोगों का परीक्षण करते हैं या जिस आधार के ऊपर हम व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं या जिस आधार के ऊपर हम व्यक्ति को समझते हैं और उसका इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं, वह 4 स्थितियां होती हैं जो कि हनुमान जी के व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती हैं। पहला हमने मानवीय प्रबंधन की दृष्टि से कहा था कि मानवीय प्रबंधन की दृष्टि से पहला होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यानी कि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला। हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण। व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या चाहिए? मानव प्रबंधन की दृष्टि से भी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा? इंटेलिजेंट, हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर। तो हनुमान जी की प्रार्थना करो तो क्या मिलेगा? तुम्हारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? वो विकसित हो जाएगा, वो और अधिक उत्कृष्ट हो जाएगा, वो और अधिक बढ़ेगा। सो दैट इज द इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और हनुमान में 4 ही अक्षर हैं, 4 ही अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं हनुमान में? 4 ही अक्षर। तो पहला जो ह है वो किसके साथ है? वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ है, उसकी प्रतिभा के साथ है, उसकी कुशाग्रता के साथ। दूसरा हमने कहा था कि देयर इज ए पी क्यू पैशन क्वेश्चन, तत्परता एकाग्रता कितनी होती, कैसे हैं एकाग्र, कितने हैं हनुमान जी। तो उस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए हमें किसका अनुसरण अनुगमन करना चाहिए? तो कहता केवल और केवल हमारा पैशन, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो पैशन होना चाहिए, जो तत्परता होनी चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो उसके पीछे चलने की भावना होनी चाहिए, वो एकाग्रता और पैशन क्वेश्चंस कहां से लाओगे? कहता केवल और केवल देखो ना, हनुमान जी ने खुद ही कहा कि कोई मंत्र से काम नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान से भी काम नहीं चलेगा, केवल मंदिर जाने से भी काम नहीं चलेगा, चलेगा किससे? न मंत्राधिकृतस्तात् न च नैसर्गिको भव प्रभावो एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदय। तुम्हें केवल और केवल अपनी तत्परता से, अपनी एकाग्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये पैशन क्वेश्चंस की बात है।
तीसरी बात हमने समझी थी और जानी थी उस समय कि हमारे अंदर हमारा जो इमोशनल कोशंट होना चाहिए यानी भावनात्मक जो स्तर होना चाहिए, तो हनुमान जी से अधिक भावनामय व्यक्ति मिलता कौन है जिसने अपने आप को पूरी तरीके से राम कार्य के लिए समर्पित कर दिया, अपना कुछ नहीं, ऐसा भाव। भक्ति के आचार्य बन गए, नारद भी नहीं बने, कौन बना? भक्ति के आचार्य कौन बना? केवल और केवल हनुमान बने। भाव माने प्रकाश के प्रति जिसकी आसक्ति हो वो भक्ति। प्रकाश कहां मिलता है? प्रकाश ऊपर मिलता है, नीचे नहीं मिलता है। प्रकाश कहां हो? ऊर्ध्वगामी, अपने व्यक्तित्व को ऊर्ध्वगामी बनाएं और वहां पर अपनी आसक्ति करें और अपनी उपासना को स्थिर करें, तो क्या बन जाएगा? हमारा जो इमोशनल कोशंस है वह और अधिक विकसित और विस्तृत और विस्तारित हो जाएगा, इमोशनल कोशंस। और चौथा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम सब में रहना चाहिए। कल मैंने असीम प्रेम जी का उदाहरण दिया था और उनको कहा था अगर हमारी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक स्तर अगर बढ़ गया, आध्यात्मिक स्तर, ऐसे ही कोई दान नहीं देता। 500 करोड़ रुपए का दान देना, असीम प्रेम जी ने कहा ये दिया क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को वापस करना है। नारायण मूर्ति ने कहा कि हमने समाज से प्राप्त किया है, इस समाज को देने का हमारे ऊपर ऋण है। हमारे पास, हमारे यहां, हमारी भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कार में तो पहले से ही ऋण की व्यवस्था की गई है। तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर कितने ऋण होते हैं? कहता है चार प्रकार के ऋण होते हैं। किसके किसके ऋण? कहता है माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, समाज का ऋण, पितरियों का ऋण। और इन ऋणों को चुकाने के बाद ही तुम क्या बनोगे? मुक्त बनोगे। मोक्ष ऐसे नहीं मिलेगा। यू हैव, आपने डेट लिया है, आपने ऋण लिया है। तुम्हें यह जो शरीर मिला है, तुम्हें माता पिता के रज और वीर से मिला, उनका ऋण चुकाओ ना। आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमें, हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन टेक अवर डिसीजन, वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन डू एनीथिंग। अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये तुम्हारा शरीर कहां से खरीदा है भाई? किस दुकान से खरीद लिया तुमने? तुम्हारा शरीर तुम्हारे माता पिता से मिला है और इस माता पिता से मिले हुए शरीर के कारण तुम्हें अपने माता पिता के प्रति अपना ऋण चुकाना ही पड़ेगा। और चुकाने के लिए तुम वास्तव में उनके प्रति निश्चित रूप से क्या बनोगे? उनके प्रति समर्पण भाव से, उनके प्रति भक्ति के भाव से, मातृदेवो भव। इसलिए हमारे यहाँ कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये केवल किस संस्कृति में कही गई? इसलिए राम नरेश लाहौटी जी ने कहा हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को वापस लाने के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रयत्न होना चाहिए। तो उस ऋण को चुकाने के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस ऋण को चुकाने के लिए वैसे ही तैयार करने की आवश्यकता पैदा हो जाती है। तो स्पिरिचुअल कोशंट जो आध्यात्मिक भावनात्मक स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है, वह अपने बच्चों में, अपने युवाओं में जागृत करने के लिए हम क्या प्रयत्न करें? क्या प्रयत्न करें? उस स्पिरिचुअल क्वोशंट को जागृत करने के लिए, उस आध्यात्मिक स्तर के ऊपर लाने के लिए हम क्या प्रयत्न करें? वह प्रयत्न जो है वो हनुमान जी का ही दर्शन है। और इसलिए श्री हनुमान जी का स्तवन, श्री हनुमान जी का चिंतन, श्री हनुमान जी का मनन, श्री हनुमान जी का निदिध्यासन, यह हमारी पहली और पहली आवश्यकता है। इसलिए श्री हनुमान जी चालीसा का आश्रय लेकर के, श्री हनुमान चालीसा का आश्रय लेकर के हम भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र का चिंतन करेंगे। कहां से शुरू हुआ? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। चार प्रकार के फलों की प्राप्ति के लिए हमने कल चिंतन किया था। हमने कहा हमारे देश में चार प्रकार के पुरुषार्थ की बात कही गई, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है।
इसके अलावा उस धर्म अर्थ काम मोक्ष को सही तरीके से प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ चार आश्रम की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और उसके बाद संन्यस्त आश्रम है। इस प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई। चार प्रकार के वर्ण किए गए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। सारी व्यवस्था चार चार में बांटी गई और इन चार प्रकार की व्यवस्थाओं में बांट करके संपूर्ण समाज को विष्णु स्वरूप प्रदान किया गया। विष्णु हमने देखा नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए किसी ने विष्णु देखा नहीं, लेकिन ये समाज का जो विराट स्वरूप है यही विष्णु का स्वरूप है। समाज का जो विराट स्वरूप है, किसी के पास शंख है यानी ब्राह्मण के पास शंख है, विद्वान लोगों के पास शंख है, वो अपने शंखनाद के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को प्रचोदित करते रहते हैं और उस समाज के प्रचोदन के कार्य के द्वारा समाज स्थिर गति से विकास की ओर बढ़ता है, चाहे वो अर्थ की प्राप्ति हो, चाहे वो कामना की प्राप्ति हो और चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार के अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो। इसलिए समाज जो है आगे बढ़ता है। किसके द्वारा? शंख, भगवान विष्णु के हाथ में शंख है। चक्र है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंतर्गत बल होना चाहिए और क्षत्रिय के अंतर्गत जो बल होता है, उस गदा के अंतर्गत जो बल होता है, उस बल के माध्यम से क्षत्रिय अपने देश की, अपने पौरुष की रक्षा करता है और उस पौरुष की रक्षा करने के बाद इस देश को, भारत समाज को और अधिक पुष्ट और बलशाली बना करके उसका संरक्षण करता है। चक्र के माध्यम से जितना भी वैश्य परिवार है, वह सारा का सारा वैश्य, वो सारा का सारा औद्योगिक उत्पादन, वह काल चक्र के माध्यम से निरंतर गतिमान रहता है, यानी अपने आप को निरंतर अपडेट करता रहता है ताकि निरंतर औद्योगिक और जितनी भी सामरिक व्यवस्था होती हैं वो अधिक अधुनातन होती रहें और उसके बाद कमल के समान लोगों की सेवा करता है। ये विष्णु चरित्र है। इस विष्णु को ध्यान, ये विष्णु का नाम है शांताकारम। लेकिन उसका अस्तित्व कैसा है? कहता शांताकारम, देश में शांति हो, शांताकारम, भुजग शयनम, पद्मनाभम, सुरेशम, विश्वाधारम, गगन सदृशम, मेघवर्णम, शुभांगम, लक्ष्मीकांतम, कमलनयनम, योगभिर्ध्यानुगम्यम, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आजकल की जो परिस्थिति है, एकांगी हो गई है। हम कहां जा रहे हैं? साधन के माध्यम से समृद्धि तो बहुत आई, समृद्धि बहुत आई। 21वीं शताब्दी के इस 15 वर्षों में जितनी समृद्धि आई, संभवतः 20वीं शताब्दी के 50-60 वर्षों में कभी नहीं आई थी। समृद्धि के अंबार लग गए, साधन के अंबार लग गए, जितने भी अनेकानेक प्रकार के मनोरंजन के साधन थे उनके अंबार लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। हम क्यों दुखी हैं, इसके ऊपर विचार क्यों नहीं करते? क्यों दुखी हैं इस प्रकार की स्थिति में? हमारी अस्वस्थता का कारण क्या है? हमारी अस्वस्थता का कारण क्या है? यह समाज अस्वस्थ क्यों हो रहा है? यह समाज जो है निरंतर क्षरण क्यों हो रहा है? हमारे देश में मूल्यों का, और इसी यही बात कही थी, अवमूल्यन इतना अधिक क्यों हो रहा है? क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं? तो एक बात व्यास जी की बड़ी समझ में आती है कि जब जब समृद्धि होगी तब तब तीन कारण होंगे। ये महर्षि व्यास ने आज से 5228 साल पहले बता दिया था। कितने साल पहले? 5228 ईयर्स बिफोर, 5228 साल पहले बताया था कि जब भी आर्थिक दृष्टि से संपन्नता होगी, आर्थिक दृष्टि से समृद्धि होगी, आर्थिक दृष्टि से केवल और केवल अर्थ और काम के लिए हम सब लोग प्रपन्न होंगे, दौड़ते जाएंगे उसके पीछे, तो तीन काम होंगे। उसका परिणाम तीन चीजों में आएगा। पहला परिणाम यह होगा कि स्त्रियों का अवमूल्यन हो जाएगा, उनके साथ का व्यवहार खराब होगा, महिलाओं के साथ अधिक प्रकार की, अनेकानेक प्रकार के व्यभिचार और बलात्कार की घटनाएं घटेंगी, क्योंकि उस समय की स्थिति वैसे बनती है। दूसरी बात आई कि उस समय जो विद्वान लोग होंगे उन लोगों की अहमियत और उन लोगों की, उनका भी मूल्य घट जाएगा।
और तीसरी बात यह है कि हम सब लोग मिलकर के क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। और यह सही हो रहा है, इसमें क्या गड़बड़ है, क्या करना चाहिए फिर ऐसी परिस्थिति में, जबकि इस प्रकार की स्थिति है, साधन की संपन्नता बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, संपन्नता बढ़ रही है, साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन इस साधन संपन्नता के बढ़ने के बाद हमारा चित्त क्यों अशांत है, खाली क्यों है, वाई वी आर एम्प्टी। हमारे अंदर का जो बोध है, हमारे अंदर का जो तत्व है, हमारे अंदर का जो प्रेम है, वो क्यों समाप्त हो रहा है, हम क्यों उच्छंकल हो रहे हैं, हम क्यों उद्दंड हो रहे हैं, हम क्यों उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं, हमारे में क्रोध क्यों जल्दी आ जाता है, हमारे बीच में राग और द्वेष क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे समझने की आवश्यकता है। और इसलिए उस राम, उस श्री हनुमान चालीसा का आदर करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, यादो बल बुद्धि विद्या देव मोहि, जो क्लेश है हमारे हर हूं कलेश विकार, सुख संपत्ति साधन से वैभव से संपन्न समाज में जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो केवल और केवल एक देवता ही हमें याद आता है, और वह देवता है केवल श्री हनुमान जी। कौन है हनुमान? तो कल हमारी गौरी ताई माहुलीकर ने इसका उल्लेख किया था, जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो वो कौन है? वो हनुमान है। पहली शर्त बताई, भौतिक दृष्टि से बताया कि जिसकी थोड़ी थोड़ी सी लंबी हो वह कौन है? हनु, हन जो है थोड़ी, मान है यानी उसको बढ़ा है। और फिर उन्होंने बताया कि सम्मान है, ये मान है। सम्मान में क्या करते हैं? किसी एक व्यक्ति को लाते हैं और उसका पूजन करते हैं, उसका भाव पूजन करते हैं, तो क्या बन जाता है? वो सम्मान बन जाता है। मान माने कुछ चीजें बढ़ा देना। तो गौरीताई मावलीकर ने कहा, हनुमान जी के चरित्र से अगर किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है तो पहली शिक्षा क्या है कि अपने आप का जो मान है, जो हमारा सम्मान है, जो हमारा अहम भाव है, जो हमारा अहंकार है, उसको कंट्रोल, पूरा तो समाप्त नहीं होगा लेकिन उसको कहां ले आओ? थोड़ा सा नियंत्रित, थोड़ा सा निगमित, थोड़ा सा उसको स्तर पर, थोड़ा सा उसको अभाव में रख दो। और अगर ये रखा तो ये कैसा है? ये हनुमान की उपासना है, ये हनुमान की आराधना है, ये हनुमान जी की साधना है। हनुमान की साधना कोई और साधना नहीं, लड्डू चढ़ाना हनुमान की साधना नहीं है। जाकर के केवल मात्र दर्शन करना ये हनुमान की आराधना नहीं, जाकर के केवल मात्र हनुमान की अर्चन करना और उनके पैरों के ऊपर तेल चढ़ा देना ये हनुमान का चिंतन नहीं। हनुमान का चिंतन यह है कि उनके चरणों में बैठ करके हमारे अंदर, हमारे अंतर्भूत प्रवृत्ति में थोड़ी सी ये बात आ जाए कि मैं थोड़ा सा क्या बन जाऊं, थोड़ा सा विनम्र बन जाऊं, थोड़ा सा विनम्र बन जाऊं, लेट मी बी थोड़ा, ए बिट, थोड़ा। यह हनुमान की व्याख्या की उन्होंने। लेकिन एकाक्षर जो विश्वकोश है, एक एकाक्षर पंच, एकाक्षर विश्वकोश है, उस एकाक्षर विश्वकोश में हनुमान के एक एक अक्षर की व्याख्या की गई है। और उस हनुमान के एक एक अक्षर में जो पहला शब्द है ह, ह शब्द है ना, ह, ह का मतलब है शिव तत्व, ह का मतलब है आनंद तत्व, ह का मतलब है आकाश तत्व, ह का मतलब है जल तत्व।
एकाक्षर विश्वकोश के अंतर्गत यदि हम जाएं तो उस हनुमत तत्व के अंतर्गत यदि हम उसका अध्ययन करें तो उस हनुमान के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है ह अक्षर का मतलब है हम आकाश, हम भगवान शंकर, भगवान विश्व आनंद की प्राप्ति करने के लिए जिस अक्षर का उल्लेख करते हैं वो क्या अक्षर है, वो ह अक्षर है। दूसरा अक्षर कौन सा है, दूसरा नु अक्षर है। नु अक्षर क्या इंगित करता है, नु अक्षर का होता है आराधना, साधना, अर्चना। किसकी साधना करें, कहता शिव तत्व की साधना करने वाला जो व्यक्ति है। शिव क्या है, कहता अपने अंदर विश्वास पैदा करने वाला व्यक्ति। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शंकर को गुरु मान करके तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस का प्रारंभ किया और उसमें शंकर तत्व को कहा कि यह गौरी शंकर तत्व किसका है, कहता है हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास का तत्व है। आप बताओ हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ रही है क्या, आप बताओ हमारे अंदर विश्वास बढ़ रहा है क्या। अगर हमारे अंदर विश्वास बढ़ रहा है, हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ रही है तो यह श्रद्धा और विश्वास ही नु शब्द का संकेत करते हैं। यह हनुमान का नु अक्षर है, नु अक्षर। तीसरा शब्द है म अक्षर। म अक्षर में भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है। म सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो चौपाई लिखी वह भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए लिखी। उन्होंने कहा भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु के फलस्वरूप भगवान श्री हनुमान जी का यह जो स्वरूप है या यह जो विग्रह है हमें क्या देता है, कहता है सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला जो तत्व है वह क्या है, वह माँ तत्व है। आप देखते भी हैं माँ कैसा तत्व है, माँ का तत्व है जिसमें ममत्व है। माँ सब कुछ अपने बच्चे को देती, देती या नहीं देती, इसलिए उसमें माँ तत्व है, ममत्व है, वात्सल्य है, प्रेम है, श्रद्धा है। माँ जितना अपने बच्चे को प्रेम करती है इसलिए उसमें माँ शब्द है। हनुमान सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक, माँ ही तो रक्षा करती है। 5 साल तक जब तक नहीं होता तो कौन रक्षा करता है, केवल और केवल माँ। पिता तो नहीं करता, हम तो नहीं करते, हमने किया भी नहीं, हमारे ऊपर तो घर में बड़े आरोप भी लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद रक्षा कौन करता है, बढ़ाता कौन है उसको, विकसित कौन करता है, संपूर्ण दृष्टि से संस्कार कौन देता है, तो वो लक्ष्मी तत्व और वह विष्णु तत्व उसको संस्कार देता है, माँ तत्व। इसलिए हनुमान में जो माँ है वह विष्णु तत्व है, वह लक्ष्मी तत्व है। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर। माँ के रूप में भगवान श्री हनुमान जी आकर के हम सबका रक्षण करते हैं, इसलिए हनुमान की आराधना करनी चाहिए। और तीसरा शब्द जो न है वह वीरता का प्रतीक है, वो बल का प्रतीक है, वह वज्र के समान देह का प्रतीक है। और दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी दुर्गम काज हैं वह सबको समाप्त करके सभी प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले ऐसे श्री हनुमान जी का विग्रह। तो ये 4 अक्षर किसमें लिखा, एकाक्षर शब्द कोश है उसमें भगवान श्री हनुमान जी के एक एक अक्षर की बात बताई गई। ह शब्द का अर्थ है भगवान शंकर और गौरी शंकर, श्रद्धा और विश्वास। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति, इसलिए प्रारंभ किया हनुमान चालीसा का श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, भगवान श्री हनुमान जी को गुरु के स्वरूप में स्थापित करो। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए बताएं, आपको कैसी श्रद्धा हो। आदि शंकराचार्य जी के शिष्य थे, सब लोग जा रहे थे, अनेकानेक शिष्य थे, उसमें एक शिष्य ऐसा था
जो कि केवल और केवल उनकी सेवा करता था, केवल और केवल उनके पाद की सेवा करता था, केवल और केवल उनके साथ रहता था। उनकी सभी प्रकार की जितनी भी स्थितियां थी उन सभी स्थिति में वह शिष्य क्या करता था, सेवा करता था, और कुछ नहीं करता था, और कुछ चाहिए भी नहीं। ज्यादा विद्वान नहीं बना, शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया। बाकी जितने भी शिष्य थे उन सभी लोगों ने शास्त्र आदि का अध्ययन कर लिया, वेद पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ लिया, अनेक अनेक प्रकार के उपनिषद में पारंगत हो गए, सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली। श्री आदि शंकराचार्य ने सबको सभी प्रकार की विद्याएं सिखाई। पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में उनके मन में ये संकल्प जागृत हुआ कि इस सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मैं चार दिशाओं में चार मठ स्थापित करूंगा, और उस मठ को एक एक शंकराचार्य, वहां का एक एक अधिपति शंकराचार्य के रूप में वहां पर नियुक्त कर दूंगा। जितने भी विद्वान शिष्य थे उन सभी में से जितने चार विद्वान थे, चार मठों की स्थापना हुई, और उन चार मठों की स्थापना में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वहां पर सभी जाकर के चार मठों की स्थापना की। स्थापना करने के बाद वहां पर जितने भी मठाधिपति थे उन सभी लोगों को शंकराचार्य का पद दे करके वहां पर बद्रिकाश्रम में, रामेश्वरम में, श्रृंगेरी में और केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाकर के सभी का अभिषेक कर लिया। अब आदि शंकराचार्य के मन में आया, यह जो मेरा सेवक है, जो मुझे रात दिन मेरे साथ रहता है, जिसने मेरी 30 वर्ष तक सेवा की, और उनको पता लग गया था कि इसके बाद एक वर्ष के बाद अब मुझे जाना पड़ेगा, तो इसने मुझे इतने साल तक मेरी सेवा की, जिसने इतने वर्ष तक सेवा की उसको मैं कुछ नहीं दूं। श्रद्धावान था, केवल ज्ञान नहीं था लेकिन श्रद्धावान था। तो उसने कहा कि इसको तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। एक दिन, एक रात उन्होंने दिन में बुला करके उन्होंने कहा कि हे सेवक, तुमसे कल एक अपेक्षा की जाती है। तो उन्होंने कहा, क्या अपेक्षा है भगवान, आप बताओ। उन्होंने कहा, कल ये जो हम जहां पे हमारी कुटिया है इसके पास का जो जलाशय है, इस तालाब को तुम पार करके और उस पार जाओगे, इस तालाब के ऊपर पार करके। तो उसने कहा, तालाब तो बड़ा गहरा है। बोला कुछ नहीं लेकिन सोचा, तालाब तो बड़ा गहरा है, जाऊंगा कैसे। लेकिन श्रद्धा की स्थिति देखिए, गुरुजी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। गुरुजी ने अगर आज्ञा दी है तो किसी विशेष प्रकार से दी होगी। गुरुजी ने अगर कहा है कि ये तालाब पार करके तुम 4 बजे कल ब्रह्म मुहूर्त में तालाब पार करके जाना, तो उसके पीछे कोई ना कोई सुखद और शुभ संदेश ही होगा। श्रद्धा की बात है। सवेरे 4 बजे उठे, अपना संध्या वंदन किया और आदि शंकराचार्य के गुरुवर को प्रणाम करके उसने तालाब पर तालाब के ऊपर पैर रखा। जैसे जैसे उस व्यक्ति पैर रखते गए, वैसे वैसे वहां पर कमल के फूल खिलते गए। पूरा का पूरा तालाब उन्होंने कमल के पद पर पार किया और शंकराचार्य दूसरे छोर पर खड़े हुए, आंखों में अश्रु भर करके उसने कहा, तुम्हारी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं, और उसका नाम रखा पद्मपादाचार्य। वो पद्मपादाचार्य के रूप में कहा है, और बाद में भगवान श्री शंकराचार्य के आशीर्वाद के फलस्वरूप अनेकानेक ग्रंथों की रचना की। सांख्य के ऊपर उनका भाष्य आज संस्कृत साहित्य की एक धरोहर बना हुआ है। श्रद्धा की बात करते हैं इस देश में, ये देश श्रद्धावानों का देश है। एक कथा और सुनाई जाती है, कहता एक बार बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई, अकाल पड़ गया, और उस अकाल के समय लोगों ने कहा कि भाई एक यज्ञ होना चाहिए। गांव वालों ने यज्ञ की प्रवृत्ति की, गांव वालों ने यज्ञ का सारा आयोजन किया। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा मंडप सजाया गया, और उस मंडप के सजाने के बाद उन्होंने कहा, इस अकाल से राहत पाने के लिए और भगवान इंद्र को खुश करने के लिए, वर्षा कराने के लिए हम सब लोग एक यज्ञ करेंगे। सभी लोग दोपहर के समय वहां से अपने गांव से निकल करके उस यज्ञ की ओर जाने लगे, दौड़ करके जाने लगे। एक बच्चा भी जाने लगा और अपने हाथ में एक छतरी लेकर के जा रहा था। तो लोगों ने पूछा, अरे अकाल पड़ रहा है, तुम छतरी लेकर के जा रहे हो।
कहता है छतरी तो लेके जानी पड़ेगी ना, क्योंकि यज्ञ हो रहा है और यज्ञ होने के बाद बारिश तो होगी, यज्ञ होने के बाद बारिश होगी, क्योंकि बारिश होगी इसलिए छाता तो ले जाना पड़ेगा। श्रद्धा इसको कहते हैं। कहते हैं कि उस बालक की श्रद्धा के आधार के ऊपर जब यज्ञ समाप्त हुआ तो झर झर मेघों ने वर्षण किया। इस देश की श्रद्धा को प्रणाम करो। ये देश की श्रद्धा, ये श्रद्धावानों का देश है, ये देश श्रद्धा और विश्वास रखने वालों का देश है। इसलिए कहा गया भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। ये श्रद्धावानों का देश। तो हनुमान चालीसा की जो पहला जो दोहा है वो कहां का है? वो दोहा है अयोध्या कांड का, अपने से नहीं लिखा हुआ है। कहां का दोहा है? वो अयोध्या कांड का दोहा है। कहां से लिया गया? कहता अयोध्या कांड से। इसलिए कभी कुछ विद्वान लोग ऐसा भी मानते हैं, कुछ विद्वान लोग ये भी मानते हैं कि हनुमान चालीसा तुलसी ने नहीं लिखी, लेकिन इसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे। ये विद्वानों का, बौद्धिक लोगों का, यूनिवर्सिटी का काम। बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल दी और उसमें उन्होंने कहा कि ये तुलसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वास्तव में जब भारत के दूसरे रिकॉर्ड देखे गए तो उसमें ये बात आती है कि वास्तव में ये तुलसी के द्वारा लिखा गया है। और तुलसी के द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत लिखी गई है। और इसका पहली चौपाई जो लिखी गई है, पहली चौपाई जो मानी जाती है हनुमान चालीसा की, वो श्री गुरु चरण सरोज रज नहीं है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी नहीं है, यह भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब ना। ये पहली चौपाई है जो उन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी? कि जब वो नरिहरी दास के साथ वहां पर साधना कर रहे थे, उस समय तुलसी ने लिखा। एक जगह इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि तुलसी को शौच आदि के लिए जंगल से होकर के जाना पड़ता था। बहुत घना जंगल था इसलिए उनको आने जाने में डर लगता था। लोगों से कहा कि भैया हमें तो बहुत डर लगता है, हमें शौच जाने में और वहां से वापस आने में हमें बहुत डर लगता है। लोगों ने कहा कि भैया तुम हनुमान जी का जप करते जाओ। तो उन्होंने अपने अंतर से चौपाई निकली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये हनुमान चालीसा की पहली चौपाई, यानी उद्गम है, उद्गम। लेकिन कहानी ऐसी आती, कथा ऐसी आती है हनुमान चालीसा के संबंध में कि एक बार श्री तुलसीदास जी जब अपनी साधना में परिपक्व हो गए थे और वाराणसी के किसी क्षेत्र में बैठ करके साधना कर रहे थे, उस समय रहीम जो कि अकबर के बहुत बड़े नवरत्न के कवि थे और इसके साथ ही साथ टोडरमल जो कि उनके नवरत्न में एक माने जाते थे, यह तुलसीदास जी से मिले। उनके तेज को देख करके, उनके ज्ञान को देख करके, उनकी वृद्धि को देख करके वो उससे बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद उनकी सूचना किसको दी? उन्होंने बादशाह अकबर को दी कि एक ऐसा संत है जो कि बहुत ही परिपक्व संत है, बहुत ही दिव्य संत है, बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है, जो कि बहुत अच्छी क्या करता है, चौपाइयां भी गाता है, बहुत अच्छे भजन भी गाता है। ऐसी सूचना अकबर को दी। अकबर ने कहा कभी कोई बात आएगी तो हम उससे मिलना पसंद करेंगे। तुलसीदास जी एक बार किसी गांव से कहीं जा रहे थे, किसी वृद्ध किसी महिला के पति का देहांत हुआ, लेकिन चूंकि वो बहुत बाहर थे, महिला ने आकर के तुलसीदास का चरण स्पर्श किया, ऐसा बताया जाता है। तुलसीदास ने कहा कि तुम अखंड सौभाग्यवती भव। उस महिला ने कहा महाराज अखंड सौभाग्यवती का आप आशीर्वाद दे रहे हो, लेकिन मेरे पति का तो निधन हुआ है। उसने कहा तुलसीदास का वचन कभी भी खाली नहीं जाता है, बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? वहाँ जा कर के उसके शव स्थान के ऊपर जाते हैं, भगवान श्री राम के नाम का अखंड 48 घंटे तक जप करते हैं और उसके बाद भगवान श्री हनुमान जी के कृपा से और भगवान श्री राम की कृपा से, ऐसा कहा जाता है, ये उल्लेख है कि उस व्यक्ति में प्राण आ जाते हैं और वो जीवित हो जाता है, जिसकी तुरंत फुरत सूचना अकबर को पहुंचती है। अकबर कहता है उस फकीर को, उस संत को तुरंत मेरे पास लाया जाए।
तुलसीदास के पास खबर आती है कि चलो बादशाह अकबर ने तुम्हें बुलाया हुआ है, आप चलिए, आपको मालामाल करने वाले हैं बादशाह अकबर। तुलसीदास उत्तर देते हैं, मैं राम के अलावा और हनुमान के अलावा किसी दरबार में जाना पसंद नहीं करता, मेरा दरबार केवल एक है, मैं राम के दरबार में जाता हूँ या हनुमान जी के साथ जाता हूँ, मैं किसी बादशाह को, किसी अलौकिक बादशाह के दरबार में जाना पसंद नहीं करता। अकबर के पास सूचना पहुंचती है, समाचार ये पहुंचता है कि ये तो बहुत ही अहंकारी है। उसने बाद में फिर से सूचना आती है, कहता आप इतने अहंकारी हो, कहता भैया हम अहंकार नहीं हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर हम इसी गरीबी के कारण हम कहीं जाना पसंद नहीं करते, केवल और केवल असी घाट पर बैठते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की चरणों में जो सुनता है, जो उत्पन्न होता है, उसको गाते हैं और उनको सुनाते हैं और उसके आधार के ऊपर अपनी जीविका का और अपनी साधना का अर्जन करते हैं। अकबर को गुस्सा आता है, वो बुला करके उनको पकड़वा करके लाता है, फतेहपुर सीकरी में उनको कैद कर देता है। भगवान श्री हनुमान जी की आराधना फतेहपुर सीकरी के जेल में तुलसीदास के द्वारा प्रारंभ होती है, 48 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, एक एक दिन एक एक चौपाई की रचना होती है, एक एक दिन एक एक चौपाई की रचना होती है, 40 चौपाइयां होती हैं और इन 40 चौपाइयों का पुनश्च 40 दिन निरंतर अनुष्ठान करते हैं। और जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा होता है, रिकॉर्ड कहता है या कथा कहती है कि उसके बाद चारों तरफ से हजारों बंदर फतेहपुर सीकरी में आकर के, फतेहपुर सीकरी में आगे से पीछे तक जितनी भी फतेहपुर सीकरी का जो भी शहर था पूरा का पूरा उजाड़ देते। बादशाह के पास खबर जाती है, क्योंकि अकबर आगरा में ही थे, अकबर के पास खबर जाती है और अकबर के पास जब खबर जाती है तो वो अपने किसी फकीर के पास जाता है कि इतने सारे हजारों बंदर ने आकर के फतेहपुर सीकरी के आक्रमण किया है, बताओ मैं क्या करूं। तो वह फकीर उनको बताता है, तुमने जिस संत को कैद करके रखा है, जब तक उस संत को नहीं छोड़ोगे ये बंदर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अकबर का फरमान आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी को ससम्मान वहीं पर अकबर स्वयं दंडवत करके छोड़ता है। जितने भी बंदर हैं वो सभी के सभी कहां से कहां अंतर ध्यान होते हैं पता नहीं चलता, लेकिन तुलसीदास कहते हैं तूने एक हनुमान के भक्त को, तूने राम के भक्त को परेशान किया है, इसलिए हे अकबर तू अब फतेहपुर सीकरी छोड़ देना। और फतेहपुर सीकरी छोड़नी पड़ती है। बाद में बादशाह जो हैं वो दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ दिल्ली से अपनी सल्तनत का सारा काम का निर्वाह किया जाता है। ये है हनुमान चालीसा के उद्गम की, उसकी रचना की कथा, 40 चौपाई। इसलिए मैंने कल कहा कि कुछ चीजें आज के लिए छोड़ के रखी थी, इसलिए छोड़ के रखी थी क्योंकि आज तिथि चतुर्थी है, इसलिए कुछ तो बताएं आज के लिए भी। तिथि कैसी है आज? चतुर्थी है। हमारी जो क्या कहते हैं उस गणना के आधार के ऊपर जो तिथि बनती वो कैसी है? वो चतुर्थी, गणपति की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी है। इसलिए मैंने कहा मंगल मूर्ति में से अगर ग निकाल दो, मंगल में से अगर ग निकाल दे तो क्या बचता है? फिर केवल और केवल मल बचता है और कुछ नहीं बचता। इसलिए गणपति को हमेशा क्या रखो? सदा भवानी, दाहिने और सन्मुख रहें गणेश, कहीं नहीं जाना चाहिए, सन्मुख रहें गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो श्री हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है वो 40 चौपाइयों के द्वारा समादृत है और इसमें तीन दोहे हैं, सिर्फ तीन दोहे। कौन से? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकारी। कितने दोहे हुए? दो दोहे हुए। तीसरा दोहा अंतिम दोहा है,
पवन तनय संकट हरण, गाइए पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन, तीन दोहे हैं। ये तीन दोहे क्यों लिखे, चार क्यों नहीं लिख दिए, या दो ही दोहे रहने देते, या दोहे क्यों लिखे? तो जो महापुरुष हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं ये हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रदर्शन दर्शन कराने वाले दोहे। हमारे अंतर्गत तीन प्रकार की वृत्तियां हमेशा काम करती हैं। हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वह सत्व रज और तमस से बनी हुई है। हमारी जो प्रकृति है वो आध्यात्मिक है, वो आधिदैविक है और आधि भौतिक है। हम अधिक भौतिक हो गए हैं, ये बात दूसरी है, लेकिन आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक प्रकृति को सम्मिश्रित करके इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इस संपूर्ण सृष्टि के निर्मिति में जिन तीन प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता किसकी है? वह त्रिगुणात्मक वृत्ति की। इसलिए हमारी प्रकृति कैसी है? सत्व की है, रज की है और तम की है। कोई भी व्यवस्था देख लीजिए, उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे अंदर, हमारे सत्य सनातन संस्कृति के अंतर्गत बताया गया है कि तीन प्रकार की, आयुर्वेद में त्रिदोष बताते हैं। कौन कौन सा दोष? कफ का, वात का और पित्त का। कहता है जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी की सभी बीमारियां किससे हैं? कफ, वात, पित्त। या कफ बढ़ गया या वात बढ़ गया, या पित्त बढ़ गया या पित्त घट गया, या वात घट गया या कफ घट गया। कफ वात पित्त में अगर संतुलन बना रहेगा तो शरीर कैसा होगा? स्वस्थ रहेगा। कफ वात पित्त में अगर संतुलन नहीं बना रहेगा तो शरीर कैसा होगा? अस्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से सृष्टि में यदि सत्व रज और तमस में असंतुलन पैदा हो गया तो वो सृष्टि कैसी हो जाएगी? असंतुलित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। और अगर सृष्टि के अंतर्गत आधिदैविक तत्व, आदि भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व में संतुलन बना रहेगा तो कैसी सृष्टि हो जाएगी? संतुलित सृष्टि हो जाएगी। हमारे अंतर्गत भी यदि हमारे जितने भी भावनात्मक कोशंट हैं, हमारा जो आध्यात्मिक कोशंट है, हमारे अंतर्गत जो तत्परता का कोशंट है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा हो गया तो हमारी प्रकृति भी कैसी हो जाती है? असंतुलित हो जाती है। क्या आएगा फिर? क्रोध आएगा, राग आएगा, द्वेष आएगा, मोह आएगा, मत्सर आएगा। इसमें संतुलन स्थापित करना यह देश दिग्दर्शन कौन कराता है? श्री हनुमान चालीसा के तीन दोहे कराते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार, बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय। क्या मांगा? तीन चीजें मांगी। किसको लाना? कहते राम लख, तीन ही चीज आई ना, किसको लाना हमारे हृदय में? हनुमान जी से कहा तुम तो आओगे ही, तुम्हारे आने की तो जरूरत भी नहीं है, किसको ले, किसको आना यार, लाना किसको? कहते राम लखन सीता सहित हृदय बसो। तीन चीजों को, राम लक्ष्मण और सीता को लाना। ये दृष्टि है किसकी? तुलसीदास की। ये दृष्टि है तुलसी की, जिसने पूरे के पूरे इस संपूर्ण समाज के कलेवर को बदलने के लिए हनुमान जैसे तत्व भारत की संस्कृति में स्थापित करने में अपनी महत भूमिका स्थापित कर दी। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। तो कहां से लिया उन्होंने? पहला दोहा लिया किससे? अयोध्या कांड का पहला दोहा। और ये दोहा कहां से लिया, क्या परिस्थिति थी उस समय, उस परिस्थिति को समझ लेंगे तो हमें हनुमान चालीसा के उस तत्व को जानने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने भी सोच, हमने भी देखा कि तुलसीदास जैसा इतना विद्वत व्यक्ति,
इतना विद्वान, इतना साधक, एक दोहा और रचने में उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता ऐसी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी उसके बाद अयोध्या कांड के प्रथम दोहे को, हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा स्थापित करने के पीछे क्या मंतव्य क्या हो सकता है, उसके पीछे क्या स्थिति बन सकती है? तो अगर आप बालकांड का अध्ययन करें और अयोध्या कांड का अध्ययन करें तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग बड़ा विचित्र है, ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है, ये प्रसंग बड़ा आनंददायी है। ये प्रसंग जो है वो बहुत ही आनंद की सृष्टि करता है। कहां का प्रसंग है? भगवान श्री राम ने सीता का वरण किया है और सीता का वरण करके वो अयोध्या में लेकर के आए। विवाह समझते क्या है? विवाह के प्रसंग के ऊपर लिखा गया यह दोहा हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए स्वीकार किया गया है कि हे हनुमान जी, क्या करो तुम, बस मेरा ब्याह तुम राम से करा दो, मेरा ब्याह करा दो। क्यों? उसकी चौपाई ही शुरू होती है, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। गाएंगे इसको, इस चौपाई को गाएंगे। मैं ये बता रहा हूं कि केवल केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे को इसमें स्थापित करने के पीछे जो दार्शनिक भूमिका हो सकती है, जो सात्विक भूमिका हो सकती है, जो उसके पीछे का संदेश हो सकता है, वो ये है कि तुम्हारा अंतर, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल यह होना चाहिए कि तुम्हारा वरण कौन कर ले? कहता राम स्वयं आकर के तुम्हारा वरण कर, स्वयं तुम्हारा वरण भगवान अगर राम कर देंगे तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से आनंद में। दो ही तो चीज चाहिए, आनंद चाहिए और प्रसन्नता चाहिए, दो ही तो चीज चाहिए। यस्यांके च विभाधि भूधर सुता देवा भगा मस्तके भाले बाल विदुर गलम चगले यशोदसी व्यालराट सोयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशि निवासी शंकर। भगवान शंकर की प्रार्थना की। कौन शंकर? स्वयं, जिसमें हनुमान में ह शब्द शंकर और शिव शंकर से स्थापित होता है सभी। और फिर जिस राम की कल्पना की, वो राम हमारा है। प्रसन्नतां या नगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्च रघुनन्दनस्य मे सदा स्तुतामञ्जु मङ्गलप्रदा। कैसे भगवान की कल्पना की है, हमारा राम वो है। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वाम भागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं। और उसका पहला दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज। अयोध्या कांड प्रारंभ करते हैं। निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद
जान चारी दस भूधर भारी सुकृत मेघ परसही सुख भूधर दस भूधर भारी सुकृत मेघ परसही सुख भारी रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुध कमाई मणिकर्णपुर नर नारी सुजाती सुचि अमोल सुंदर सब भाति जब न राम ब्याही घर आए ताली तो बजाओ राम ब्याह करके घर आ रहे मोरी बधाए जब ते राम ब्याही घर आए निज नव मंगल मोद बधाए कहीं न जाई कछु नगर विभूति जन इतनी रंची कर तूती सही सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी समान तू सब सखी सहे बलित बिलो के मनोरथ देनी राम रूप गुण शील स्वभाव रमित हो दे की सुन राऊ जब ते राम ब्याही घर आए ताली बजा के गाइए भगवान राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम बधैया बाजे आंगन में बधैया सभी गाइए बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया बा एक बार राम से ब्याह हो तो होगा क्या जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए रोज आपके घर नए मंगल मोद आनंद होगा दुख कहीं होगा ही नहीं घर कैसा होगा सब विधि सब पुर लोग सुखारी आपके घर के सभी लोग आनंद में जीवन जिएंगे राम चंद मुख चंद निहारी सदा भगवान की शरण में रहो ब्याह जाओ और कहो मेरे मालिक तू मेरा रक्षण कर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते तुम हमारा रक्षण करो जब तेरा राम ब्याही घर आए
नहीं बुहारा। हम सब रोज भजन तो खूब करते हैं, असर कुछ दिखाई नहीं देता, उल्टा हो जाता है बल्कि। क्यों? इसलिए तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम कैसे आएंगे। गाइए कैसे आएंगे मेरे राम 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 कैसे आएंगे मेरे राम। तूने दिल को नहीं संवारा, नहीं संवारा, तूने दिल को नहीं संवारा, तूने दिल को नहीं संवारा, कैसे आएंगे मेरे राम कैसे आएंगे मेरे राम कैसे। क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है, चंचल मन अस्थिर गति तोरी, चंचल मन अस्थिर गति, चंचल मन अस्थिर गति तोरी, चंचल मन अस्थिर, मन में अवगुण भरे हुए हैं, मन में अवगुण भरे हुए हैं, ओ मन में अवगुण भरे हुए हैं, मन में अवगुण भरे हुए। तूने दिल को नहीं संवारा, तूने दिल को नहीं संवारा। और सफाई अभियान की जिम्मेदारी किसके पास है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा रे। और हनुमान जी की शरण में ही तुम रे भजन राम को पावे, तुम रे भजन राम को पावे, तो जन्म जन्म के जन्म जन्म के दुख बिसराए। इसलिए हनुमान जी से मांगा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। रावण के पास भी ये तीनों वस्तुएं थी, रावण भी विद्यावान था, गुणी था, अति चतुर था, लेकिन पूजनीय नहीं बन सका, क्योंकि रावण ने अपनी विद्या का, गुण का, चतुराई का सदैव दुरुपयोग किया और हनुमान जी ने सदैव राम कार्य में उपयोग किया, इसलिए हनुमान जी पूजनीय बन गए। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ कि अपने विद्या, गुण और चतुराई का सदैव दूसरों का शुभ हो। आज हम दूसरों को लूटने में, दूसरों का कैसे बुरा कर सकते हैं उसमें उपयोग करते हैं, यहां तक कि हमारी भक्ति का भी उपयोग, मंत्र शक्ति का उपयोग भी दूसरों को सुख देने के लिए नहीं, दूसरों का बुरा कैसे करें, दूसरों की जमीन कैसे हड़पी जाए, दूसरों को दुख कैसे दिया जाए, इसमें उपयोग करते हैं। और पेपर में ऐड आते हैं, आप यदि कहीं असफल हैं तो हमसे मिलिए, हम आपको मंत्र शक्ति सिखाएंगे, सुख देने के लिए नहीं, दूसरों का बुरा करने के लिए। इसका मतलब हमारी जो मनः स्थिति है वो रावण प्रवृत्ति में चली गई है, राम कार्य में नहीं, काम काज में लगी हुई है। और हनुमान जी सदैव राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को। क्योंकि हनुमान जी के पास एक ही आश्रय था, मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है, मैं तो मेरे गाइए राम जी हमारा है, राम जी हमारा, मन घना लागे प्यारा है, राम जी हमारा, मन घना लागे प्यारा है, मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है, मैं तो मेरे। हनुमान जी ब्याह करवा देते हैं और जब ब्याह होता है तो पूर्ण रूप से समर्पण होता है। समर्पण कैसा हो,
राम जी राम मूंग चावल राम जी बाजरे राम जी राम मूंग चावल राम जी रे बाजरे राम जी रे घर को धंधो राम जी रे हाजरी राम जी रे घर को धंधो राम जी रे हाजरी राम जी रे प्रसादी सो पाप सारा भागे रे राम जी रे प्रसादी सो पाप सारा भागे रे मैं तो मेरे राम का राम जी हमारा है मैं तो मेरे राम का राम जी हमारा है और जब अपना मालिक मान ही लिया है कि वही मेरा परमेश्वर वही मेरा मालिक वही मेरा रक्षण करने वाला तो फिर जैसा रखे बाप के घर बेटी चाहे जिस हाल में रहे लेकिन जब ब्याहती है तो पति चाहे झोपड़े में रहे और चाहे महल में रहे उसके साथ रहना पड़ता है इसलिए राम जी री महल अटारी राम जी रा झोपड़ा राम जी रा महल अटारी राम जी रा झोपड़ा राम जी रे खेत माही राम जी रा रोकड़ा राम जी रे खेत माही राम जी रा रोकड़ा राम जी हैं पीछे मारे राम जी हैं आगे रे राम जी हैं पीछे मारे राम जी हैं आगे रे मैं तो मेरे राम का राम जी हमारा है मैं तो मेरे राम का राम जी हमारा है इसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। अभी मैं परसों 40 दिन की यात्रा कर अमेरिका से वापस आया शिकागो गए थे शिकागो से कोलोराडो गए न्यू मैक्सिको वहां पर अंग्रेजों ने फ्लाइंग हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है नीम करौली बाबा जी के डिसाइपल्स हैं उन्होंने वहां पर जो हमारे सुंदरकांड के श्री हनुमान जी हैं वही हैं मुद्रिका लेकर के ऐसी उड़ती हुई मूर्ति बनाई है अंग्रेज लोग ही उसको मेंटेन करते हैं जितने भी वहां पर एक 22 साल का लड़का है जिसका नाम इमरान है जो हर शनिवार को सुबह 3 बजे आता है स्नान करता है पीतांबर पहनता है यज्ञोपवीत मंत्र करके धारण करता है हनुमान जी का पूरा श्रृंगार करता है 3 घंटे की रोज हर शनिवार को उपासना करता है वहां पर कोई भी अंग्रेज जो वहां पर आते हैं किताब लेकर के हनुमान चालीसा नहीं करते सबको याद है और जिस समय हनुमान चालीसा गाते हैं उस समय आंख से आंसू बहने शुरू होते हैं मुझे अपने आप पर शर्म आई कि हम क्या करते हैं हमारे वहां तो ये लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता जो हम कहते हैं मन कर्म वचन एक हो जाए वो वहां पर मुझे देखने को मिला तो हनुमान जी ने मुझे बुलाया जो भी हो मैं क्यों गया ये तो बात मुझे भी पता नहीं है लेकिन कोई शक्ति खींच करके शिकागो से मुझे कोलोराडो 2200 माइल दूर लेकर के गई और बाय रोड हम लोग ड्राइव करके गए 5 लोग सुंदरकांड सुनाया हनुमान चालीसा करी उनके साथ बैठ करके वापस आ रहे थे अभी भाई साहब को भी नहीं पता है हमारी गाड़ी का सुबह 5 बजे एक्सीडेंट हुआ घर में यहां पर किसी को नहीं पता है एक हिरन सुबह निकला और समय ही हमने अपनी उस गाड़ी में हनुमान चालीसा लगाई हुई थी और सुनते हुए आ रहे थे मैं पूरी गाड़ी में रात भर जागा था एक हिरन ने हमारी गाड़ी को हिट किया गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई डैमेज हो गई है उसको इंश्योरेंस ने पूरे पैसे दिए हैं लेकिन हम 5 आदमी को कुछ भी एक खरोंच तक नहीं आई है शायद मैं आपको गाड़ी की फोटो दिखाऊं तो आप कहोगे गाड़ी जिंदा कैसे है और वहां पर गाड़ी 100 माइल से ऊपर हमारी स्पीड से चल रही थी अगर शायद पीछे से और जिस समय हिरन ने टक्कर मारी तो वो जो उसका बोनट था वो ओडिसी गाड़ी थी होंडा की ओडिसी होंडा की होंडा सी की ओडिसी गाड़ी थी उसका बोनट हमारे शीशे के ऊपर आ गया तो हमें तो समझ में नहीं ये हुआ क्या पता भी नहीं लगा गाड़ी बिल्कुल अंधेरी हो गई तो गाड़ी खड़ी कैसे की जाए ये ना समझ में आए कहां खड़ी करे ये हुआ क्या वैसे ही धीरे से गाड़ी गई अपने आप धीरे धीरे जाके खड़ी हो गई गाड़ी में आग लग गई
लेकिन सब होने के बाद भी इसका यह मतलब नहीं कि हम गए तो वहां पर हनुमान जी के, हनुमान जी ने अपनी कृपा का दर्शन कराया, कैसा भी संकट आवे हम तुम्हारे साथ, ये इसका अनुभव है। राम जी राम मूंग चावल, राम जी री बाजरे, राम जी राम मूंग चावल, राम जी री बाजरे, राम जी रे घर को धंधो, राम जी री हाजरी, राम जी रे घर को धंधो, राम जी री हाजरी, राम जी री परसादी सो पाप सारा भागे रे, राम जी री परसादी सो पाप सारा भागे रे, राम जी हैं पीछे मारे, राम जी हैं आगे रे, राम जी हैं पीछे मारे, राम जी हैं आगे रे, मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है, मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है, राम जी री घर की पूंजी, राम जी लगावनिया, राम जी री घर की पूंजी, राम जी लगावनिया, राम जी रे लेनू देनू, राम जी चुकावनिया, राम जी रे लेनू देनू, राम जी चुकावनिया, अरे शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे रे, शरणागत की चिंता सारी राम जी, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल, कृपा के निधान सुनो हनुमान मेहरबान, कृपा के निधान हनुमान सुनो मेहरबान, कहूँ मैं सुजान ध्यान मेरी ओर दीजिए, ओ दीनों के जीवन प्राण दूसरों न देख्यो आन, संकट महान जान मेरी सुध लीजिए, भक्तों की राखो शान हृदय प्रकाशो ज्ञान, भक्तों की राखो शान हृदय प्रकाशो शान, गाँव गुण गान राम रंग रंग दीजिए, स्वयं विराजमान सकल गुणों की खान, हम कहें हनुमान भक्ति भाव दीजिए, हम कहें हनुमान, इसलिए लिखा पहली चौपाई, इसलिए लिखी व्याहो राम के साथ, राम के साथ तुम्हारा अखंड सौभाग्यवती, पति के साथ, पत्नी के साथ, पुरुष स्त्री के साथ ब्याहता है तो संसार मिलता है, लेकिन अगर राम के साथ ब्याह जाओगे तो संसार का जगदीश मिल जाता है, जगत मिलता है। कृपा के निधान हनु, इसलिए भगवान ने भगवान से प्रार्थना की तुलसी ने, कृपा के निधान हनुमान सुनो मेहरबान, कहूँ मैं सुजान ध्यान, इसलिए हनुमान चालीसा गा रहा हूँ, कहूँ मैं सुजान ध्यान मेरी ओर दीजिए, और दीनों के जीवन प्राण दूसरों न दे, तुम्हारे अलावा और कोई मैंने दूसरा देखा नहीं, तुम दीनों के जीवन प्राण हो, तुम्हारे अलावा मैं किसको देखूं हनुमान, दीनों के जीवन प्राण दूसरों न देखो आन, संकट महान जान, लिख रहे थे वहां पर, कहां लिख रहे थे, फतेहपुर सीकरी में बैठ करके हनुमान चालीसा प्रारंभ कर रहे थे, संकट महान जान ध्यान मेरी ओर दीजिए, और भगतों की राखो शान, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, हनुमान चालीसा लिखने की शुरुआत की, भक्तों की राखो शान ज्ञान दो हृदय प्रकाशो ज्ञान, गाँव गुण गान राम रंग रंग दीजिए, स्वयं विराजमान सकल गुणों की खान, हम कहें हनुमान भक्ति भाव दीजिए,
कृपा के निधान हनुमान सुनो मेहरबान कहूँ मैं सुजान ध्यान मेरी ओर दीजिए जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय गाइए जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय गाइए जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान हो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। पहली चौपाई लिखी गई और पहली चौपाई अयोध्या कांड से भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने श्री हनुमान चालीसा के शिरोमणि पर सिर पर रख दी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मेरे मन के मुकुर को सुधार दो भगवान निज मन मुकुर सुधार। तो विद्वानों ने कहा वरण रघुवर विमल जस। अरे हनुमान चालीसा लिखी जा रही है हनुमान जी के लिए लिखी जा रही है तो रघुनाथ जी कहां से आ गए। वरण रघुवर विमल जस जो दायक फल चा। लोगों ने शंका प्रकट की है कि हनुमान चालीसा लिखने के प्रथम दोहे में इन्होंने रघुवर विमल यश कह दिया तो क्या फायदा हुआ। रघुवर का विमल यश तो है नहीं। किसका विमल यश है अगर है तो किसका है हनुमान जी का है तो रघुवर का क्यों लिख दिया। कुछ गड़बड़ है। क्यों लिखा रघुवर का विमल यश। इसलिए लिखा क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी के साथ एक घटना घटी और उस घटना के घटने के कारण तुलसीदास ने लिखा कि रघुवर विमल यश। एक बार राम जी का दरबार लगा हुआ था भगवती सीता वापस अयोध्या आ गई थी राज्याभिषेक हो गया था मंगलाचरण चल रहे थे समस्त अवध में बहुत ही प्रसन्नता का वातावरण था। श्री हनुमान जी प्रतिदिन भगवान की सेवा में रत रहते थे। एक दिन हनुमान जी आए भगवान के राज दरबार में। भगवान ने उनसे प्रश्न किया हनुमान तुम कौन। किसने प्रश्न किया राम जी ने प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया हनुमान से कहा तुम कौन हो भाई। तो हनुमान जी ने सोचा अरे मैं इतने दिनों से इनके सेवा में हूं इतने दिनों से इनकी सेवा कर रहा हूं आज भगवान मुझसे पूछ रहे हैं तुम कौन हो। व्हाट इज दिस ये क्या है व्हाट इज दिस प्रश्न व्हाट इज दिस क्वेश्चन। जरूर कोई ना कोई बात होगी और ये हनुमान जी के ज्ञान का प्रतीक है ये हनुमान जी के विराट व्यक्तित्व का प्रतीक है ये हनुमान जी के पर्सनालिटी का प्रतीक है ये हनुमान जी की कुशाग्र बुद्धि का प्रतीक है। उन्होंने उत्तर दिया राम जी देह दृष्ट्या तु दासो हम। कहा देह दृष्टि से मैं तुम्हारा दास हूं। देह दृष्ट्या तु दासो हम जीव दृष्ट्या त्वतंशकः। जीव की दृष्टि से जीव की दृष्टि में मैं जीवात्मा हूं और आप परमात्मा हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं देखिए देह दृष्ट्या तु दासो हम। देह की दृष्टि से अगर मैं और आप देह की दृष्टि से अगर हम देखें तो आप राजा हैं और मैं आपका सेवक हूं। देह दृष्ट्या तु दासो हम जीव दृष्ट्या त्वदंशकः वस्तु तस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चितता मति। और तत्व के आधार पर अगर आप पूछ रहे हो वस्तु तत्व इस वस्तु और तस्तु के आधार पर तत्व के आधार पर दर्शन के आधार पर पूछ रहे हो तो भगवान जो तुम हो वही मैं हूं वही तुम जो तुम हो वही मैं तुम आत्मा हो मैं परमात्मा हूं जो तुम हो। देह दृष्ट्या तु दासो हम जीव दृष्ट्या त्वदंशकः वस्तु तस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चितता। मेरा निश्चित मत है मेरा निश्चित। यहां पर उन्होंने जोर दिया
यहां पर उन्होंने जोर दिया, इति में निश्चितता मत ही, ये मेरा निश्चित मत है। क्या मत है? कि जो आप हैं वस्तु तस्तु त्वमेव, जो आप हैं वही, जो वस्तु और आधार पर, तत्व दर्शन के आधार पर, दर्शन के आधार पर, फिलोसॉफिकली इफ यू वांट टू आस्क मी, अगर आप मुझसे ऐसे पूछना चाहते हो कि फिलोसॉफिकली तत्व के आधार पर आप कौन है और मैं कौन हूं, तो भैया जो आप हो वही मैं हूं, क्योंकि आप और मैं अलग हो नहीं सकते। आत्मा परमात्मा का अंश होता है, सो अहम। यह हनुमान जी का उत्तर था। तो इसलिए हनुमान जी का वह तत्व लेकर के तुलसी ने कहा, क्या कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। किसका वर्णन करो? बरनौ, लिख सकते थे बरनौ हनुमत विमल यश, लिख सकते थे बरनौ हनुमत विमल, नहीं लिखा बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक वस्तु तस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। जो आप हैं वही मैं हूं, इसलिए तुलसी ने भी लिख दिया, जो रघुवीर है उसका जो विमल यश है वही भगवान श्री हनुमान जी का भी विमल यश है। इसलिए हनुमान चालीसा के प्रारंभ में रघुवर और हनुमान के बीच में किसी भी प्रकार का भेद न करते हुए पहली जो दोहा लिखा गया, वो पहला दोहा किस बात का संकेत करता है? यह सत्य वृत्ति का, यानी सात्विक वृत्ति का, यानी आध्यात्मिक वृत्ति का प्रदर्शन करता है। दिस इज ए फिलोसॉफिकल, ये आध्यात्म है। आध्यात्म में हमारी भारत की सत्य सनातन संस्कृति कहती है आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, केवल परमात्मा के अंतर्गत एक प्रकार का निर्णय हुआ, उसने निर्णय ले लिया। वो निर्णय क्या ले लिया? कि मैं एक से दो हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। वही परमात्मा एक से अनेक हो गया। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रजा पुरोवाच प्रजापति ही, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। भगवान के अंतर में एक प्रकार से खेल खेलने का निश्चय हुआ और उनके अंतर में जो जागृत हुआ उसी दृष्टि के कारण यज्ञ के स्वरूप में उन्होंने कहा मैं एक से अनेक होता हूं, और उस एक से अनेक की जो सृष्टि हुई वही हमारे अंतर्गत सारी सृष्टि को हमें दिखाती है। तो देह दृष्ट्या तु दासोहम, जीव दृष्ट्या तु दंशकः, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चितता मतिः। ये उसका प्रतीक है। पहली चौपाई, जैसे मैंने कहा कि तीन चौपाइयां हमारे तीन प्रकार की प्रकृति का वर्णन करती हैं, इसमें पहली चौपाई जिस प्रकृति का वर्णन कर रही है वो कौन सी प्रकृति है? वो सात्विक प्रगति है। और इस सात्विक प्रवृत्ति के जितने भी लोग होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, वह अपना स्वरूप दूसरों के स्वरूप में देखते हैं। और इसलिए धर्म की रचना करने में तुलसीदास ने लिखा परहित सर परिस धर्म नहीं भाई, परिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सहन सम अधमानी, पर पीड़ा सम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं परहित। कब होगा? जब हमारे अंतर्गत धर्म का जागरण हो जाएगा। और धर्म का जागरण क्या हो जाएगा? कि हमारे अंदर भेद की समाप्ति हो जाएगी। पूरा का पूरा महाभारत किस लिए लड़ा गया? कि मैं माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः, यहां से प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतोत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः, यही तो बात हुई। संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने, बताओ मेरे और पांडवों के पुत्र ने जो कि युद्ध की इच्छा के साथ कुरुक्षेत्र में एक दूसरे के सामने
अपनी सेनाओं को लेकर के डटे हुए हैं, उनके बीच में क्या हुआ, क्या भेद आया मेरे और पांडवों के बीच में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतोत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वर्त संजय, क्या किया उन लोगों ने। तब संजय बताते क्या हुआ। तो ये मैं और का जो भेद है, ये भेद कहां नहीं है, पहली चौपाई में नहीं। किसमें भेद नहीं है, हनुमान और राम में भेद नहीं है। इसलिए पहली चौपाई सात्विक चौपाई है, इसलिए उसके पीछे का जो दर्शन है, इसलिए उसके पीछे का जो आधार है, इसलिए उसके पीछे का जो तत्व है वो ये है कि हनुमान जी में और राम जी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं ही राम जी को यह उत्तर दिया और उस उत्तर से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हनुमान जी ने श्री हनुमान का अभिनंदन और अभिवादन किया। तो जब हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसमें जो प्रथम चौपाई का पाठ करें, उसमें अपनी सात्विक वृत्तियों के उद्घाटन के लिए, उच्चाटन के लिए, उत्कर्ष के लिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करें। श्री गुरु चरण, गुरु स्वयं सात्विक वृत्ति का होता है। और कैसे राम की कल्पना की गई, प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्तता ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सा मंजुल मंगल प्रदा। राजा राम की प्रार्थना नहीं किया, यहां पे भगवान राम की प्रार्थना नहीं की, यहां पे अयोध्या नरेश की भी प्रार्थना नहीं की। ध्यान देने बात ही बात है, कैसे भगवान हैं हमारे राम, कैसे हैं, कहां पर ऐसा भगवान मिलेगा जिसकी कल्पना तुलसीदास ने हमें बताई है, कहां से लाएंगे हम ऐसे भगवान, नहीं लाएंगे। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा नमले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सा मंजुल, वनवास के लिए खड़े हैं, वलकल वस्त्र धारण कर लिए हैं। एक रात पहले कौशल्या ने समाचार दिए थे, हे पुत्र तुम्हारा कल सवेरे 7:30 बजे 7:30 मिनट पर तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, कल से तुम चक्रवर्ती अयोध्या राज्य के सम्राट कहे जाओगे, तैयारी करो। भगवान उस समय भी प्रसन्न नहीं हुए, केवल अपनी माता के चरणों में मस्तक झुका करके उनको प्रणाम किया, भगवती माँ तुम्हारी जैसी आज्ञा उसी प्रकार से मैं अपने स्वरूप को स्वीकार कर लूंगा। प्रसन्न हो। एक रात बीतती है, संपूर्ण 12 घंटे समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद दूसरी माता उनको उनको समाचार देती है, कैकेयी कहती है, हे पुत्र तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन जाने का आदेश प्रदान किया है, वलकल वस्त्र धारण करो और यहां से अभी इसी समय वन का गमन कर लो। तो कोई बात करने की आवश्यकता महसूस की, वो भगवान कैसा है जो कि गरीबों के लिए, शोषितों के लिए 13 वर्ष तक दंडकारण्य के क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों को जागृत करता है। ऐसे भगवान की कल्पना की और उसके बाद ये दोहा लिखा है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा के इस दोहे का विशेष 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 स्थान बनता है। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा नमम्ले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सा मंजुल मंगल प्रदा। इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। अत्यंत प्रसन्न मन के जो भगवान हैं हमारे, तुलसी ने एक दोहा लिखा, परम पावन है भगवान, परम ऐश्वर्यशाली है, यथा भी भूमि सब बीजमय। बहुत ही विलक्षण दोहा है जो तुलसी ने लिखा है। यथा भूमि सब बीजमय नखत निवास आकाश राम नाम सब धर्ममय
जानत तुलसीदास। यथा भूमि सब बीजमय, ये जितनी भी भूमि, आप बीज कहां बोते हो, बीज कहां बोते हो, सब भूमि भी बोलते हो। यथा भूमि सब बीजमय, सारी की सारी भूमि में जितने भी बीज पड़ते हैं वो सब की सब भूमि है। भूमि आखर है बीज का, सृष्टि के उत्पन्न करने का, उसकी गोद में सारी के सारे बीज पल्लवित होते हैं। तो जिस तरीके से बीज पल्लवित होते हैं कहां पे, भूमि में। यथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्म, राम नाम की महिमा बताई है, राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। तुलसी ने कहा मैं जानता हूं सभी धर्मों का प्राण कहां है, राम नाम सभी धर्मों की जो महिमा है वो कहां है, वो कहां है, राम में है। राम नाम सब धर्म में, जानत तुलसीदास। ऐसे भगवान राम के नाम का प्रताप है। राम सकल नामन ते अधिकार, हो नाथ अघ खग बन बधिकार। राम सकल नामन ते अधिकार, हो नाथ अघ खग। इसलिए तुलसी ने लिखा राम सभी, राम का नाम सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। राम सकल नामन ते अधिका, हो हुनाथ अग घग बन बतिका। इसलिए राम का नाम लो। हमारे महावीर जी खूब राम का नाम लेते हैं, यहां पर बहुत सारे लोग बैठ करके राम का नाम लेते हैं। राम भक्ति प्रदान करता है, राम आश्रय देता है, राम का नाम शांति प्रदान करता है, राम का नाम चैतन्य प्रदान करता है। राम के नाम से लोग पूछते हैं कि राम का नाम क्यों ले लें, राम के नाम लेने से क्या हो जाएगा। अरे भाई, राम का नाम लेने से ही सब कुछ होगा, क्योंकि राम ही वह चैतन्य है जो कि हमें श्रेष्ठ काम करने के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहता है। इसलिए राम का नाम जरूर लेना चाहिए। यथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय। धर्म का प्राण, धर्म का आधार, धर्म का केंद्र कौन है, केवल राम नाम है। क्या है धर्म, कहता धर्म पहुंचना कहीं नहीं, धर्म तो केवल चलने में। राम जी केवल चले, कहां चले, अपने कर्तव्य के मार्ग पर चले। 13 वर्ष तक दंडकारण्य के कांटों के बीच में चले, सभी नगरवासियों के जितने भी अंचल थे सभी वनवासियों के बीच में जाकर के उन्होंने अपना जीवन गुजारा, वहां पर उनको संस्कार प्रदान किया। बताओ कोई है ऐसा भगवान जो कि ऐसा वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी जाकर के अपने कोमल कांत पदावली को दंडकारण्य के कांटों से छिदवा दे। कहां है, कहां से लाओगे ऐसा भगवान, किसको मिलेगा ऐसा भगवान। हमें वो भगवान मिला है तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, किसका नाम ले फिर, किसका नाम ले, उसका नाम नहीं लेना। राम सकल नामन ते अधिकार, हो नाथ अग खग बन। ये सभी को तारता है। फिर पूछा क्या केवल राम नाम से ही हो जाएगा, केवल राम का नाम होना के नाम लेने से ही काम हो जाएगा। कहता हो तो जाएगा, लेकिन फिर भी राम का काम भी करना चाहिए। केवल राम के नाम लेने से काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि राम ने स्वयं काम करके दिखाया है। उन्होंने जो जिन्होंने अपने चरण कमल हमारे मत हमारे हृदय में स्थापित किए हैं, वो स्थापित किए हुए चरण कमल राजा राम के नहीं है, वो स्थापित किए हुए चरण कमल वे हैं जिन्हें दंडकारण्य के कांटे जिसमें चुभे हुए हैं और जिसमें उन कोमल कांटों में से सबके टप टप करके खून निकल रहा है। दग्ध हैं वो कांटों से, और ऐसे कांटों से दग्ध श्री राम जी जो 13 वर्ष तक वहां गए, उन पाद पल्लवों को हमारे हृदय में स्थापित करके गए हैं। इसलिए उस राम का स्मरण करो। स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम
वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। किसका स्मरण करो? कहता ऐसे भगवान राम का स्मरण करो जो कि जिन्होंने पूरे 13 वर्ष तक गांव गांव जाकर के प्रत्येक सुदूर क्षेत्रों में जाकर के गली गली जाकर के जहां पर जो पीड़ित हैं शोषित हैं उनकी सेवा करने का अखंड काम किया। स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकै स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिर्गात ततः। वाल्मीकि ने लिखा और क्या बढ़िया श्लोक लिखा है। कैसा चरण कमल हमें दे करके गए हैं भगवान राम जिसमें दंडकारण्य के कांटे चुभे हुए हैं और उस दंडकारण्य के चुभे हुए कांटों से श्रेष्ठ पद हमारे मन में स्थापित करके गए हैं। वो भगवान राम हमारा वरेण्य है क्योंकि अयोध्या कांड के प्रारंभ में लिखा प्रसन्नताम या नगता अभिषेकस्तथा नममले वनवास दुखतः मुखाम्बुजशि रघुनंदनस्य सा मंजुल मंगल प्रदा। कहां से लाएंगे ऐसा भगवान? तो कुछ काब कुछ बातें तो राम के नाम की हो गई। राम नाम लेना चाहिए लेकिन फिर राम का काम, राम का काम कितना? राम का काम तो हनुमान जी ने किया। जामवंत जी ने जब उनकी शक्तियों को प्रचोदित किया तो उसके बाद वो उठ खड़े हुए और उठ खड़े होकर के उन्होंने बड़ी भीषण गर्जना की। ऐसा एक आता है कृष्णकंधा कांड के अंतिम अंतिम चौपाई में अंतिम दोहे में क्या आया? कनक बरन तन तेज बिराजा मान हो अपर गिर न करी राजा सिंह नाद कर बारहि बारा लहि ना कहीं चलन दिखा सहित सहाय राव नहीं मारी आन इहा त्रिकूट उपारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ऋक्ष ने जामवंत जी ने कहा ये तो बात की बात हो गई। कहां ही रीछ पति सुन हनुमाना का चुप साधी रहौ पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान दान अरे कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो है तात तुम पाहे राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भय पर्वता राम काज लगी तब अवतारा सुनते हु भयहु पर्वताकारा। हम जिस हनुमान जी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं वह खड़े हो गए राम काज। हनुमान ऋक्षवान ने कहा जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तुम्हारा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। खड़े हो गए हनुमान जी जोर जोर से गर्जना करने लगे जाने के लिए तैयार हो गए। तो भैया मेरे बताओ हनुमान जी के जितने भी भक्तगण हैं हनुमान जी का काम तो हनुमान जी का जन्म तो राम कार्य के लिए हुआ था हमारा जन्म किसके लिए हुआ है ये तो बताओ। हमारा जन्म क्या रावण के कार्य के लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? राम कार्य के लिए हुआ है। तो राम का कार्य करो ना। राम का नाम बहुत अच्छा है राम का नाम लेना चाहिए राम के नाम से चैतन्य प्राप्त होगा लेकिन राम का काम कौन करेगा? कैसा है राम कुछ ध्यान में आया? सोने की लंका जीत ली सोने की लंका जीत ली स्वर्ण अपुल भंडार है और फिर भी उसके बाद कहते हैं कि ये सोने की लंका मैं क्या करूंगा इसको। लक्ष्मण सुनो ये सोने की लंका अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मम न रुच्यते। ये हमारे देश का आदर्श है ये हमारी सनातन संस्कृति का आदर्श है अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मम न रुच्यते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करीयसे। कहां से लाओगे ऐसे भगवान को कहां से लाओगे?
जननी जन्मभूमि च, ये सोना इसका मैं क्या करूंगा, नहीं गए लंका के अंदर। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मम न रुच्यते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि करीयसी। स्वर्ग से भी महान मैं अपनी जननी जन्मभूमि के पास जाऊंगा, तुम्ही हृदय तुम्ही धर्म। जननी जन्मभूमि के लिए भगवान राम ने 13 वर्ष तक दंडकारण्य में अपने पैरों को छिदवा दिया था। हम राम के भक्त कहलाने वाले क्या कुछ करेंगे। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में था, 50% ग्रामीण जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन स्तर गुजारने के लिए अभिशप्त है। नहीं आता हमारे दिल में दर्द, क्या हो रहा है इस देश में। जो हमारा भगवान 13 वर्ष तक गांव गांव में घूम घूम करके लोगों को समृद्धि और संपन्नता के संदेश देता रहा, हमारा कर्तव्य क्या नहीं बनता है। हम कैसे राम के भक्त हैं, कैसे हनुमान के भक्त हैं कि वहां जाकर के क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि इस देश की संपूर्ण सनातन संस्कृति को बदलने के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता है तो करना चाहिए। हनुमान जी का तो यही संदेश है, क्योंकि जो राम हमारे अंतर में अनारे अंतर में जो पाद पल्लव स्थापित कर रहे हैं, स्मृताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटक ही, दंडक के कंटक से विद्ध जो पाद पल्लव हमारे स्तर पे हमारे हृदय में वो स्थापित करके गए हैं, स्वपाद पल्लवम रामम आत्म ज्योति, उससे अपनी आत्मा की ज्योति तो जागृत करें की आवश्यकता है या नहीं। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा 50% जो नया सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आया है, सामाजिक आर्थिक एक सर्वेक्षण आया है, और उस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया है 50% से अधिक लोग जो हैं वह गरीबी के स्तर से नीचे का, जो 30% कहा जा रहा है कि 30% पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, इट इज रॉन्ग, इट मे इंक्रीज फर्दर। तो क्या हमारी इच्छा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम गांव में जाएं, वनवासियों में जाएं, क्षेत्रों में जाएं। कुछ लोग, कुछ संगठन, श्री हरि सत्संग समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग बाबूजी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी, क्या हमारी ऐतिहासिक विरासत पूर्ण नहीं होनी चाहिए, क्या हमारे जितने भी तीर्थ हैं वो सभी समृद्ध और संपन्न नहीं होने चाहिए, क्या हमारी संस्कृति संपन्न नहीं होनी चाहिए, क्या हमारा देश जो हमें कुछ देता है उस देश को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं केवल खाने खाने के लिए। ये अयक्ष प्रश्न हमारे सामने है। देश हमें देता है सब कुछ, बोलिए हो, देश हमें देता है सब कुछ, गाइए, आवाज आनी चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, सूरज हमें मामला है, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी भूख मिटाने, धरती पर होती खेती है, औरों हम ऐसा कुछ करें।
हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में, पथिकों को तपती पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ सदा पेड़ बनो। लक्ष्मण मुझे ये सोने की लंका बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं भा रही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीयसि। भगवान श्री हनुमान जी का ये संदेश, अपनी जननी जन्मभूमिश्च के प्रति हम सजग हों, अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति असफल हों, अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति हम
आसक्त हो जाएं और उसके काम के लिए आ जाएं, ये राम का काम होगा, ये राम का काम है। राम का नाम भी लें और राम का काम भी करें, गति के रथ पर जीवन पथ पर इसी धरा पर इसी जन्म में जो संभव है साकार करें, नई राह स्वीकार करें, अपने श्रम से अपने कर्म से लोगों का कल्याण करें, नए पुरातन को जोड़ें। हम भाग पीछे नहीं रहना चाहते, आधुनिक से आधुनिक अधुनातन स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, नए पुरातन को जोड़ें लेकिन काल बाह्य रूढ़ी तोड़ें, सेवा का सम्मान करें, समृद्धि प्रतिदान करें, जन्म उसी का सार्थक है, बाकी सभी निरर्थक है। आज का यहीं पर हम विश्राम देते हैं और भगवान श्री अजय जी संकीर्तन कराएंगे, उसके बाद सूचनाएं होंगी, आरती होगी, आप सब लोग बड़ी सहृदयता के साथ आए। मैं अजय जी के साथ मिलकर के आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज की कथा को यहीं विश्राम करने की आज्ञा चाहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का, औरों को जो दान है वो सच्चा इंसान है, धरती पर भगवान है वो सच्चा इंसान है, धरती पर भगवान है, अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का, औरों को दे दान है वो सच्चा इंसान है, धरती पर भगवान है वो सच्चा इंसान है, धरती पर आग सज सका अंग जले और को मीठी सांस दे, आग सज सका अंग जले और को मीठी सांस दे, ज्योति सज सका जीवन हो औरों को प्रकाश दे, ज्योति सज सका जीवन हो औरों को प्रकाश दे, कर्म ही जिसका भगवत गीता सेवा वेद पुराण है वो सच्चा इंसान है, धरती पर भगवान है वो सच्चा इंसान है, धरती पर भगवान है। चाहे करे अपमान कोई, चाहे करे निंदा कोई, चाहे करे अपमान कोई, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे कांटा चुभा जाए कोई, फूलों से सम्मान करे कांटा चुभो जाए कोई, और अपमान ही दोनों में जिसके लिए समान है वो सच्चा इंसान है, धरती पर भगवान है वो सच्चा इंसान है, धरती पर भगवान है। इसलिए तू एक बार आजा हनुमान की शरण में, तू एक बार आजा हनुमान की शरण, हनुमान की शरण में, भगवान की शरण में, हनुमान की शरण में, भगवान की शरण में, तू एक बार आजा हनुमान की, गाइए सभी, तू एक बार आजा हनुमान की शरण, सर्वस्व कर दे अर्पण हनुमान की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण हनुमान की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण हनुमान, गाइए शरण सर्वस्व कर दे अर्पण हनुमान की चरण में, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, निर्भय सदा रहेगा, निर्भय सदा रहेगा, तू
गाना कैसे है? श्रद्धा से सर झुका कर हनुमान की शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर हनुमान की शरण, ओ श्रद्धा से सर झुका कर हनुमान की शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर हनुमान की शरण में, विश्वास अटल रखना हनुमान की शरण में, विश्वास अटल रखना हनुमान की शरण में, ओ विश्वास हरि बोल हनुमान की शरण में, विश्वास अटल रखना हनुमान की शरण में, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, निर्भय सदा रहेगा, निर्भय सदा रहेगा, निर्भय सदा रहेगा, निर्भय सदा रहेगा, तू हनुमान की शरण में तो एक बार आजा, हनुमान की शरण में तो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम दोनों हाथों को ऊपर उठा कर राजा राम हनुमान सीता 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 राम हनुमान। सालासर में जो हनुमान जी की मूर्ति का प्रागट्य हुआ है, वहाँ के जो मोहनदास बाबा थे जब खेत में हल चलाते थे तो इसी मंत्र का जाप करते थे और हनुमान जी को प्रकट कर दिया। हम सब हनुमान जी को तो प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान जी की कृपा को भी इस मंत्र को गाते गाते प्रकट कर दिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान 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 राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, ओम नमः पार्वती वदे हर हर। श्री पुरुषोत्तम मास की, पवन तनय संकट हरन
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस हुर ओम नमः पार्वती वदये हर हर।